टीचिंग के सभी एग्जाम की तैयारी के लिए और सभी सब्जेक्ट पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें अड्डा 247 टीचिंग एग्जाम्स और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का टीचर्स अड्डा 247, एक आपका अपना ऐसा चैनल जो लगातार आपके साथ मेहनत कर रहा है आपके सपनों को पूरा करने के लिए। तो काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, वैकेंसी की चल रही है, एग्ज़ाम की चल रही है। चलिए, बढ़िया बात है, चीज़ें चलती रहे और साथ ही साथ उन पेपर को, उन चीज़ों को जिनको आप देखते हैं, जिनको आप समझते हैं, उनके लिए हमें जानकारी हो और उस जानकारी को देने में हम आपके साथ देते हैं। तो जल्दी से हम यहाँ पर देखते हैं और बहुत बढ़िया बात करते हैं यहाँ पर, और शुरुआत करते हैं एक बहुत अच्छी लाइन से। और कंप्यूटर जी, देखते हैं कि क्या वो एक अच्छी सी लाइन होने वाली है जो हमें खुद को मोटिवेट करने का काम करती है। कंप्यूटर जी, दिखा दीजिए जल्दी से तो क्या लिखा हुआ है। कंप्यूटर जी ने इन्होंने बताया है बहुत बढ़िया सी लाइन की, हल छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। तो काफी देर से मैं देख रहा हूं कि वैकेंसी आ रही है, नहीं आ रही है, कोर्ट में चला जाता है केस, फिर उसके बाद वैकेंसी लटक जाती है, बहुत सारी चीजें होती है। मतलब अगर हम देखते हैं तो हमारे आसपास में क्या मिल जाते हैं, बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं और हम बहुत बार डिप्रेस भी हो जाते हैं कि यार क्या करें। सीटेट भी हो गया, अगर यूपीटेट भी हो गया, उसके बाद भी वैकेंसी नहीं आ रही है तो क्या करें, किस तरीके से रहे, तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बस एक चीज ध्यान रख लेना, आपकी मंजिल जो है, आपकी मंजिल गवर्नमेंट जॉब लेने की है, चाहे वो यूपी टेट सी टेट के थ्रू मिले, DSSSB के थ्रू मिले या किसी भी KVS NVS के थ्रू मिले, हमें बस अपनी मंजिल तक ध्यान रखना है, बस वहाँ तक पहुँचने का एक बहुत छोटा सा बदलाव करते हुए चलना है। तो ये यहाँ पर हम देख रहे थे, ठीक है। और अरे बिल्कुल, कौन है यहाँ पर, शिखा जी कंप्यूटर जी से भी मिलवाएंगे किसी दिन, किसी दिन एक सेशन रखेंगे जहाँ पर आप कंप्यूटर जी से मिल सकते हो। काफ़ी इंटेलिजेंट है कंप्यूटर जी हमारे, जैसा बोलते हैं वैसा कर देते हैं वो तुरंत फटाफट। खैर, आगे की बात करते हैं और आज के टॉपिक में हमारे क्या होने वाला है ये हम देख लेते हैं। तो टॉपिक दिखा दीजिए कंप्यूटर जी एक बार और। तो टॉपिक है MCQ होने वाला है, और कौन सा MCQ होने वाला है, तो हम यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो किससे रिलेटेड करेंगे, ध्यान रखना EVS और SST दोनों से, क्योंकि हर बार मैं ये कहता हूँ कि EVS के क्वेश्चन SST में भी आ जाते हैं और SST के क्वेश्चन EVS में भी आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर बिल्कुल जो नए हैं यहाँ पर, द इनक्रेडिबल, क्या बात है, आपका नाम ही इनक्रेडिबल है अभिषेक जी, ठीक है। लेकिन जो नए स्टूडेंट है वो भी ध्यान रखना, यहाँ EVS और MCQ के केवल अभी क्वेश्चन होने वाले हैं, एक लंबा सेशन हमारा होने वाला है यहाँ पर, और साथ ही साथ जो टॉपिक हमारे हमेशा कवर करते हैं वो टॉपिक हमेशा अपनी क्लास में रूटीन में कवर करते रहेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जल्दी से क्या करना है, हमें जल्दी से हमें सेशन को लाइक कर देना है और शेयर भी कर देना है, क्योंकि अभी मैम की क्लास हुई थी और मैम ने बताया था कि 99K यानी 99,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप लोगों से उम्मीद है कि आप आज के ही दिन क्या कर देंगे, 1 लाख सब्सक्राइबर भी कंप्लीट कर देंगे। और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है आप लोगों को भी, आप ये लोग कर देंगे, क्योंकि हम आपके लिए इतनी सारी मेहनत कर, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए वो करेंगे, क्योंकि हमें मोटिवेशन इन्हीं चीज़ों से मिल जाता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले जल्दी से क्या कर दो भाई, लाइक कर दो, 121 वॉचिंग है, लाइक इतने का मतलब, महंगाई का जमाना है, अर्थव्यवस्था भी खराब चल रही है तो लाइक करने में भी दिक्कत हो जाती है हमें कभी कभी, ठीक है। करते हैं भाई, करते हैं, ठीक, चलो बढ़िया। एक डिसलाइक भी आ गया है, डिसलाइक भी कर दो जल्दी से, लाइक ना सही, कुछ तो करो, या तो अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है जो हमें या तो पसंद आता है या ना पसंद होता है, ठीक। चलिए खैर, बढ़िया बात, आगे की बात करते हैं। UPTET का फॉर्म कब तक आएगा, देखिए जी अभी UPTET के फॉर्म के आने के लिए एग्जैक्ट डेट नहीं पता, वही अंदाज़ा किया जा रहा है कि अभी जो चल रहा है हमारे यहाँ पर, मतलब लास्ट नवंबर के आसपास तक में मिल जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर हम देख लेते हैं,
नहीं सेम क्वेश्चन नहीं, लेकिन कवर करते हैं। ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन ईवीएस में डाल देता है और ईवीएस के कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी में डाल देता है। ठीक, चलो बढ़िया बात है, आगे की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, क्या होने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कंप्यूटर जी दिखाने वाले हैं। तो पहले तो इन्होंने टाइम टेबल दिखाया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच आपका यहाँ पर, कि सर ने यहाँ यानी कंप्यूटर जी ने यहाँ पर टाइम टेबल दिखा दिया। देखो होने क्या वाला है, तो हमारे यहाँ मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे क्या होता है, मॉक टेस्ट होता है पूरा का पूरा, यानी कि एक लंबी मैराथन क्लास आपके यहाँ पर चलती है। यह आपका शेड्यूल है जो आप फॉलो करते हैं। ठीक, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और इसके बाद क्या होता है, तो इसके बाद आता है हमारे सामने, शायद आप क्वेश्चन ही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल आ गया क्वेश्चन हमारे सामने। तो देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, और जब भी हम एग्जाम में बात करते हैं ना, तो हम ये देखते हैं यार बड़ा टिपिकल क्वेश्चन आएगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन आने वाला है, लेकिन जब क्वेश्चन आसान सा आता है तो हम गलत कर जाते हैं। और ये आपके लिए वही क्वेश्चन है जो आसान सा है लेकिन आप गलत कर जाओगे। ठीक है, लग रहा है हमें कि ऐसा ना हो। ठीक, स्वाति त्रिपाठी जी, समझ में आ गई बात। और कौन है यहाँ पर, ठाकुर जी, ठीक है, चलिए बढ़िया। जल्दी से सेशन को क्या करना है, शेयर भी करना है भैया, और लोग आने हैं। टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, सबके संग बांटेंगे, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और जितना ज़्यादा कंपटीशन होता है उतनी अच्छी आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। आंसर बताओ जल्दी से, फर्स्ट का आंसर होने वाला है बी, बी सी भी आ गया आंसर। मैथ की क्लास नहीं होगी, देखते हैं अभी मैथ की क्लास नहीं होगी, वैसे मैथ वाले सर का पेपर है तो इस वजह से मैथ की क्लास थोड़ा सा डिले कर दी गई है, नहीं होगी आज। आज आपकी जो क्लास रहेगी वो पूरे 2 घंटे के आसपास में हम 50 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो मैथ वाले सर भी हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी अपनी भी यहाँ पर हमारे पास मिलती है। जूम कर दें तो क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा आप क्या कर दीजिए, रेजोल्यूशन ठीक कर दीजिए, काफ़ी दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, चलो कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, और जल्दी से आंसर हम देखते हैं। तो आंसर है रीठा, ठीक, आंसर है बी ऑप्शन रीठा। मुझे लग रहा था लोग गड़बड़ करेंगे, क्यों लग गड़बड़ करेंगे, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर था, उपरोक्त तो सभी था, लेकिन ये जान के बढ़िया लगा कि ऑल ऑफ द अबव होने के बावजूद आपने रीठा को चुना, क्योंकि अगर हम रुद्राक्ष या तेंदू की बात करते हैं तो रुद्राक्ष जो माला बनाने वाला काम आता है, जो आप जो हमारे बाबा लोग होते हैं उनको देखते हैं, उनसे कोई साबुन वाली चीजें नहीं मिलती है। तेंदू का पत्ता किस काम आता है, ये बात नोट कर लेना स्पेशली ईवीएस वाले, तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है। जो बीड़ी बनाते हैं हम, वो तेंदू का पत्ता आता है। मोनिका जी अगर फर्स्ट क्लास है तो बहुत बढ़िया है कि आप टेस्ट से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास टेस्ट से शुरू, कितना बढ़िया होता है कि पहली क्लास में, यानी कि पहला ही क्या हो गया हमारे सामने, ऐसे क्वेश्चन आ गए कि हम बोले यार ये क्या हुआ, पढ़ा ही नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है। तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने के काम आता है, ये पॉइंट ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, निम्नलिखित में से वाहनीय ईंधनों में से किसका आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है। तो अब जो हिंदी वाले हैं ना, वो क्योंकि पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों मोड में आता है, पेपर कैसे आता है, अगर आपके पास ये पेपर का एक पेज मिल जाता है तो आपको एक तरफ हिंदी में लिखा हुआ दिखाई दे जाता है और एक तरफ इंग्लिश में लिखा हुआ दिखाई देता है। तो बहुत बार जब हम हिंदी पढ़ रहे होते हैं और हमें कोई लाइन समझ में नहीं आते, तो हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन बस ध्यान रख लेना, हिंदी वालों को अगर कोई बात समझ में ना आए तुरंत इंग्लिश में पढ़ के देख लेना, और इंग्लिश को समझ में ना आए हिंदी में पढ़ के देख लेना, आ जाएगा। पर्यावरण स्नेही, पर्यावरण स्नेही मतलब होता है इको फ्रेंडली, कितना आसान सा ना, इको फ्रेंडली, रोज यूज करते हैं हम ऐसे शब्द, बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर बता दो जल्दी से, और यहां पर फिर से गड़बड़ कर रहे हो आप लोग, ज्यादातर लोग आंसर क्या बता रहे हैं, आंसर एलपीजी पर भी पहुंच गए थे लगता है, आप करेक्शन कर दिया आप लोगों ने, बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दो, सीएनजी क्या होने वाली है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म हमारे सामने हिंदी में लिख दी गई है, और वो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, सीएनजी। एलपीजी क्यों नहीं बोला हमने, क्योंकि यहां पर क्या बोला है, ऑटोमोबाइल फ्यूल की बात की गई है। क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, ऑटोमोबाइल फ्यूल की बात की गई थी, तो जब हम ऑटोमोबाइल फ्यूल की बात करते हैं तो एलपीजी का इस्तेमाल नहीं सीएनजी का करते हैं। जिनके लिए आंसर डी उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है भाई यहां पर। अगला क्वेश्चन दिखाओ क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक और इजी क्वेश्चन है। किसी पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है, तत्वों का चक्रण कैसा होता है, तो आप क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं संग में कैसे। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, ये हमारे यहां पर मिट्टी है, सॉइल है, और सॉइल में क्या हो गया, सॉइल में कुछ पेड़ हमारे यहां पर उगाए, ठीक है, सॉइल में कुछ छोटे छोटे पौधे हमारे यहां पर उग गए हैं। अब इन पौधों को कौन खा रहे हैं, हमारे यहां पर जो फर्स्ट
कंज्यूमर मिलते हैं, फिर उनके बाद सेकंड कंज्यूमर, फिर उनके बाद थर्ड कंज्यूमर, ठीक है, ये मिलते चले जाते हैं यहाँ पर। फिर इसके बाद क्या होते हैं, डीकम्पोजर, और डीकम्पोजर के बाद दोबारा इसको सॉइल पे मिला देते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा सारा, ठीक है, बिल्कुल थर्ड, थर्ड का आंसर बड़ी देर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, तो थर्ड का आंसर आ रहा है ए, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, दो बार लाइक आपके लिए, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन सीटेट में और यूपी टेट में, स्पेशली यूपी टेट की बात करते हो, यूपी टेट पे दो पेपरों में लगातार पूछा गया था ये, ठीक है, ये 2015 के आसपास का क्वेश्चन है और उससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक, क्लियर, बिल्कुल ठीक है, थर्ड का आंसर ठीक है। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए एक बार जल्दी से, और उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको आंदोलन, बहुत ईजी क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है, और आपके लिए एक एडिशनल क्वेश्चन, चिपको आंदोलन से कौन संबंधित है ये तो आप बताओगे ही, लेकिन चिपको आंदोलन शुरू करने वाली पहली महिला कौन थी उनका नाम बताना है, और जैसे चिपको आंदोलन था वैसे ही एपीको आंदोलन भी था, वैसे ही एपीको आंदोलन था, ये दोनों क्वेश्चन, ठीक है, एपीको आंदोलन पहली महिला का नाम आप लोग बताएंगे अभी, और दूसरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, कुछ ना कुछ तो घर में भी करना चाहिए ना, हर बार पबजी तो नहीं खेल सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, फोर्थ का आंसर मिल रहा है सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है, जो नेता हमारे यहां पर मिल जाता है, कंप्यूटर जी आंसर चेक करवा दीजिए क्या है, ठीक, अच्छा टाइमर लगा देते हैं, बिल्कुल ठीक, 30 सेकंड का टाइमर हम अब से स्टार्ट कर देते हैं, 37 का टाइमर स्टार्ट कर देते हैं, मेधा पाटकर ना 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 गड़बड़ कर रहे हो, फिर तो ये क्वेश्चन पक्का बनता है यहां पर, ठीक है, बिल्कुल टाइमर भी स्टार्ट कर दिया कंप्यूटर जी ने, ठीक, और उन्होंने कुछ ज्यादा ही आपको टिपिल कर दिया, 20 सेकंड का ही कर दिया, खैर कोई बात नहीं, वो चीजें करेक्शन में हो जाएंगी, वो चीजें ठीक हो जाती है। यहां पर अगर बात करते हैं अगला क्वेश्चन, उसका आंसर टाइमर खत्म होते ही आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, और इसको हम बात कर रहे थे, तो एपीको आंदोलन, मेधा नाई गलत है, पहली महिला जो चिपको आंदोलन की थी, चिपको आंदोलन से संबंधित पहली महिला का नाम लिख लेना, गौरा देवी, गांव की एक महिला थी गौरा देवी, ठीक है, कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, टाइमर अप होते ही आंसर आप शो कर दीजिएगा प्लीज, ठीक, गौरा देवी हम यहां पर पढ़ रहे थे, हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर बता दिया, किन्होंने बता दिया, पुष्पा जी ने बता दिया यहाँ पर, ठीक है, गौरा देवी, और एपीको आंदोलन ये आपका होमवर्क है, और कब कमेंट करके बताना है वीडियो खत्म होने के बाद, अभी कमेंट में नहीं पढ़ूंगा, अभी आगे की बात कर लेते हैं, इसका आंसर जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है वो कैसे आंसर है ये भी हम देख लेते हैं, आंसर डी होने वाला है, कैसा, तो सिंपल सी बात देखो, हमने बोला कि हरे पेड़ पौधे, ठीक है, फिर से एक पेड़ बनाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक, बनाते बनाते ड्राइंग भी हम, मुझे लग रहा है कि अच्छी होने वाली है, ठीक है, हरे पेड़ पौधे को किसने खाया, एक टिड्डी ने खाया, वो मैं नहीं बना सकता हूं, ठीक, हरे पेड़ पौधे को किसने खाया, एक टिड्डी ने खा लिया, ठीक है, और उसके बाद क्या हो गया, कीड़ा खा लिया, और कीड़े को किसने खाया, कीड़े को खा रहा है, हरे पेड़ पौधे को खाया किसने, टिड्डी ने टिड्डे को खाया सांप ने, और सांप को खा लिया मोर ने, ठीक, तो इसीलिए अगर हम फूड किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहां पर, अगर किसकी बात, पोषक लेवल की बात, न्यूट्रिशन लेवल के बारे में अगर हम पूछे, तो न्यूट्रिशन लेवल में ये सबसे ऊपर हमारे पास मिल जाता है, खाद्य पिरामिड मिलता है यहां पर, ध्यान रख लेना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा गया पोषक तल कौन सा है, व्हेन पीकॉक ईट स्नेक व्हिच ईट इंसेक्ट्स, ठीक है, तो क्या पूछा है यहां पर, ऑन द ग्रीन प्लांट द पीकॉक इज, तो फूड चेन के हिसाब से पूछा गया यहां पर, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन, ईवीएस है ना, अभी तो इजी क्वेश्चन है, जब टफ आएंगे तब बात करेंगे, कोई बात नहीं है, इजी टू टफ चलते हैं हम, लर्निंग प्रोसेस हमारे सामने चल रहा है, कंप्यूटर 30 सेकंड के टाइमर के संग में अगला क्वेश्चन हमारे सामने आना चाहिए, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने जो आ रहा है, और यहाँ 30 सेकंड का टाइमर आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बता दो आप, जल्दी से बता दो आप, अरे वाह क्या बात है, मोनिका जी थैंक यू वेरी मच, आपने सारे बना दिए, टिड्डा सांप मोर कहाँ गया, ठीक, मोर तो बनाना ही रह गया आपका, जल्दी बताओ अगला आंसर भी बताना है इसका, मेटामॉर्फिक रॉक कौन सी है, सैंड स्टोन मिल रही है,
बिल्कुल, टॉपिक भी यहाँ पर होता है भाई, आज एमसीक्यू चल रहा है, टॉपिक भी होता है, आंसर दिखा दो कंप्यूटर जी, टाइमर आप होते ही आंसर शो हो जाना चाहिए प्लीज यहाँ पर। तो आंसर हमारे सामने क्या मिलेगा, आंसर हमारे सामने मिलता है मार्बल, आंसर जो रहेगा वो रहेगा मार्बल, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक, मार्बल आंसर रहेगा यहाँ पर, ठीक क्लियर। यहाँ तक आंसर क्या मिल रहा है, आंसर यहाँ पर मिक्सअप मिल रहे हैं भैया, आंसर सी भी आ रहा है, कुछ लोगों ने बी भी बता दिया, तो ध्यान रख लेना, बालू पत्थर सेडिमेंट्री रॉक है, चूना पत्थर सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। और ग्रेनाइट कौन सी मिलती है हमारे यहाँ पर, एक इग्नियस रॉक मिल जाती है, ठीक है। एडिशनल चीजें ध्यान रखते हुए चलना, अगर हम बात करते हैं सैंड स्टोन की या फिर लाइम स्टोन की, तो ये दोनों के दोनों क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। सेडिमेंट्री यानी अवसादी चट्टान मिलता है हमारे पास, और जो ग्रेनाइट है वो ग्रेनाइट कैसी मिलती है, इग्नियस रॉक मिल जाती है, वो आग्नेय चट्टान मिल जाती है, ठीक है क्लियर यहां तक। चलिए चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, चलो नहीं, एपिको का आंसर नहीं बताऊंगा, कौन है अंजलि जी, आंसर ढूंढना और कमेंट करके बताना। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन, 30 सेकंड का टाइमर। और महासागरों में से किसमें लवण की सर्वाधिक मात्रा होती है, मैक्सिमम कौन सा महासागरों में मिलता है हमारे यहाँ पर, ठीक जल्दी बताओ, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड। महासागरों का पानी खारा होता है, तो जो खारा पानी है उसका कारण क्या है, सपना शुक्ला जी मना लीजिए, स्वाति जी को नाराज हो गई है लग रहा है ये, ठीक है। क्या होने वाला है, खारा पानी, खारा पानी किस लिए, आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, क्या हो रहा है यहाँ पर, टाइमर अप होते ही आंसर प्लीज शो कर दीजिएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, खारे पानी का आंसर हम, हाँ इसका जो खारा पानी होता है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात याद रख लेना, डी सोडियम क्लोराइड मिल जाता है, NaCl, यही अगर मेरा फॉर्मूला सही है तो क्या मिलता है हमारे पास, सोडियम क्लोराइड। सबसे ज्यादा महासागरों के खारा होने का कारण सोडियम क्लोराइड हमारे यहाँ पर मिलता है, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल ठीक, सातवें का सही आंसर डी मिलेगा। और हमारे कंप्यूटर जी अभी टेस्ट कर रहे थे, इसलिए आंसर नहीं बताया उन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा है, वो है राज्यसभा में होने वाली बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, जल्दी से आंसर बताना यहाँ पर, राज्यसभा में बैठकें जो होती है उनकी अध्यक्षता कौन करता है, जल्दी जल्दी आंसर बताना आप लोगों को क्या होने वाला है, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत का मुख्य न्यायाधीश। कोई नहीं आगे की बात करिए आप, नरगिस जी आंसर बताना है इसका, जल्दी से आंसर बताओ भाई सभी लोग, और आंसर आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है, और स्क्रीन पर आंसर है उपराष्ट्रपति, क्या सही है उपराष्ट्रपति, जल्दी बताओ यहां पर। हाँ गड़बड़ 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 चल रही है, ज्यादातर लोगों का आंसर ठीक है, लेकिन जो गलत कर रहे हैं ना वो ध्यान रख लेना। अगर बात करें हम लोकसभा की, ये पढ़ाया हुआ टॉपिक है आपका, और बात करते हैं राज्यसभा की, ये भी पढ़ाया हुआ टॉपिक है, तो लोकसभा की जो बैठक की अध्यक्षता करता है, यानी कि लोकसभा का जो हमारा अध्यक्ष है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं स्पीकर, और राज्यसभा का जो अध्यक्ष है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है उसको बोला जाता है सभापति। और क्वेश्चन आता है कि सभापति कौन होता है, तो राज्यसभा का सभापति होता है हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ध्यान रख लेना ये बात, ठीक है बिल्कुल बहुत बढ़िया, जिन्होंने बताया था ए उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है, क्योंकि क्वेश्चन ये SST में भी पूछा जाता है और ये EVS में भी आता है, ये बात ध्यान से सुन लेना, इसलिए मैंने कहा था ना कि दोनों टॉपिक एक दूसरे को क्या करते हैं, बहुत हद तक ओवरलैप करते हुए चलते हैं, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत किस मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार है, EVS SST, फिर से दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन है ये, EVS और SST फिर से दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन हमारे सामने मिल जाता है ये, जल्दी से आंसर बताना है, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुआ मिट्टी, एडिशनल फैक्ट आपको फिर बताऊंगा मैं, आंसर बताओ जल्दी से। हाँ विवेक यादव जी स्मार्ट लोग पता नहीं कहां चले गए आज हैं, स्मार्ट लोग पता नहीं कहाँ चले गए, भैया आप भी स्मार्ट हो ऐसे कैसे बात कर रहे हो, अपने आप को किसी से कम नहीं आंकना चाहिए, अपनी इज्जत खुद करोगे तो दुनिया आपकी इज्जत करेगी, मुकाम आपको अपना खुद तय करना पड़ता है,
ठीक, चलिए आगे की बात करते हैं। आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बी जरूर मिट्टी राइट आंसर मिलता है। चलो अगला एक और पॉइंट एडिशनल लिख लेना, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इसका, और क्या क्या नाम है ये हमें पूछ लेता है। काली मिट्टी के काले रंग का कारण क्या है? ठीक है, काली मिट्टी का रंग काला है तो क्यों काला है काली मिट्टी का रंग काला, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि काली मिट्टी का रंग काला होने का कारण क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों जल्दी से आंसर बताना है कमेंट करके, तब अगले क्वेश्चन को चलेंगे, जल्दी बताना है। और साथ ही साथ सेशन को क्या करना है, लाइक करना है भैया, 223 लोग देख रहे हो और इतनी कंजूसी यहाँ पर, कंप्यूटर जी क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चन पर कैसे पहुंच गए, हमें नहीं चलना था अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, जल्दी से बताओ यहाँ पर क्या पढ़ लिया आपने, सुप्रिया सिंह जी, ठीक है, शायद नाम लेने की बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? हाँ बिल्कुल ठीक, स्मार्ट लोग एमसीक्यू कर रहे हैं, आंसर स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन इसका दूसरा नाम, बहुत बढ़िया लावा, ना 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 ना, बिल्कुल इसका दूसरा नाम मिलता है रेगुर, इसका दूसरा नाम मिलता है रेगुर, इसको कहा जाता है रेगुर, के अलावा इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कपासी मिट्टी, इसे क्या कहा जाता है, इसे रेगुर कहा जाता है, कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है। और काले रंग होने का कारण क्या है इसका, तो इसके काले रंग होने का कारण हमारे पास मिल जाता है और वो है टिटेनीफेरस, वो क्या मिलता है हमारे पास, टिटेनीफेरस इसके काले रंग होने का कारण हमारे यहां पर मिल जाता है। टिटेनीफेरस काले रंग का कारण हमारे यहां पर मिल जाता है। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका था, ये क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि द क्वालिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड इज नॉट, जो ऑब्जर्वेशन मेथड निरीक्षण विधि हमारे यहाँ पर मिलती है वो क्या थी, तो बिल्कुल ठीक है, निरीक्षण विधि क्या होती है, बालक केंद्रित होती है, जिसमें शिक्षक बालक को चेक करता है, निरीक्षण करते हुए चलता है। ठीक है, बिल्कुल दिखाई दे जाऊंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे कंप्यूटर जी, तो अगला क्वेश्चन टाइमर के संग में दिखा दे, और टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। क्वेश्चन हमारे सामने क्या मिल रहा है, क्वेश्चन हमारे सामने मिल रहा है पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण क्या है, यानी कि अगर पर्यावरण शिक्षा में अगर हमें समस्या का समाधान करना है तो कैसे करेंगे हम, लक्ष्य केंद्रित होनी चाहिए, सृजनात्मक विधि होनी चाहिए, चयनात्मक होनी चाहिए, या उपयुक्त तो सभी, कुछ भी करवा सकते हैं भैया, शिक्षक है कुछ भी करवा सकते हैं, इंसान को मुर्गा बना देते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ, आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, क्या होने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया आंसर रहेगा डी, लक्ष्य केंद्रित भी होती है हमारी, सृजनात्मकता भी वहां पर आती है और चयनात्मकता भी, सिलेक्टिविटी भी वहां पर हो जाती है। ठीक है, देखो जो हमारे टीचिंग मेथड वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो बड़े आसान मिलते हैं जब ईवीएस से रिलेटेड या फिर एसएससी से रिलेटेड हमारे पास आते हैं। चलिए बहुत बढ़िया, जिन्होंने क्वेश्चन डी बताया ना उनके लिए तो बिल्कुल लाइक बनता है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन और टाइमर, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या है, इकोसिस्टम क्या होता है, परस्पर क्रिया करने वाला जीवों का समुदाय होगा, किसी स्थान का, अजैविक घटकों का, पृथ्वी और वायुमंडल का वह क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, या जीव समुदाय उसके वातावरण का, अच्छा नीचे ध्यान रख लेना, जीव समुदाय उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ये बोला गया यहां पर। ठीक है, हिंदी वाले थोड़ा सा चीज को, ई वाले ऑप्शन को जोड़ देना डी के संग में, ठीक, क्लियर। आंसर भी कंप्यूटर जी ने दिखा दिया है, जल्दी से आंसर बताओ आप भाई, टाइम अप होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, इकोसिस्टम, ये आपको बताया था इकोसिस्टम क्या होता है, तो इकोसिस्टम का बिल्कुल ठीक, जितने भी जीव है और जो उसका वातावरण है, यानी कि जो जीवित है और जो निर्जीव है, आपस में एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होते हैं, वो इकोसिस्टम होता है। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, इकोसिस्टम, इकोसिस्टम
को टर्म किसने दिया था, इकोसिस्टम टर्म का, इकोसिस्टम शब्द का इस्तेमाल किसने किया था, ये आप कमेंट करके बताना। एक और होमवर्क का क्वेश्चन आपका, इकोसिस्टम पर पढ़ाया हुआ क्लास है और इकोसिस्टम को सबसे पहले इस शब्द का इस्तेमाल किसने किया था ये बताना है आप लोगों को। वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करके बता देना ये यहां पर, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और टाइमर भी देखते हैं यहां पर। मानव विकास के क्रम में दो पैरों से चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या, मतलब इंसान जो पहले बंदर की तरह हुआ करता था, बंदर हुआ करता था, फिर धीरे धीरे उसने क्या करा, चार के बजाय दो पैरों पर चलना शुरू करा, तो उसका फायदा क्या हुआ भैया, हमें क्या फायदा हुआ, हमें बार बार कभी केले के छिलके में पांव पड़ जाते हैं, फिसल जाते हैं, गिरने की और टेंशन रहती है, पेड़ पर भी नहीं चढ़ पाता है बंदरों की तरह। इंग्लिश में सी ऑप्शन दिखा रहा है, सी ऑप्शन ही था शायद उसमें आंसर, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं, आंसर देख लीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए प्लीज। शरीर को अच्छे प्रकार से आधार देना, जब हम सीधे प्रॉपर खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी को प्रॉपर सपोर्ट मिलता है सीधे खड़े होने पर, ठीक है। क्लियर यहां तक, क्लियर यहां तक। 13 का आंसर ए हमारे पास मिलेगा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार प्रीवियस क्वेश्चन में दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, 12वें का आंसर क्या होने वाला हमारे सामने, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे सामने पहुंच रहा है वो, हाँ बिल्कुल ठीक है। असल में देखिए यहां पर जब हम बात कर देते हैं तो द एरिया ऑफ द अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर इनहेबिट इन द बैलेंस सिस्टम ऑफ द बायोटिक कम्युनिटी एंड इट्स एटमॉस्फेयर, हाँ बिल्कुल ठीक। इंग्लिश में इस वाले क्वेश्चन का डी हो जाएगा, क्या होगा, एक बैलेंस सिस्टम हो जाएगा बायोटिक कम्युनिटी और उसके एनवायरमेंट के बीच में, ठीक है। वो सी और डी में, यहां पर थोड़ा करेक्शन कर लेना, बिल्कुल सही पकड़ा था जिन्होंने, उनको कहना पड़ेगा ना सही पकड़े हो, ठीक है। तो यहां पर जिन्होंने कहा वो बिल्कुल सही कहा था, ऑप्शन जो यहां पर है वो डी रहेगा, नीचे वाले का ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या है ये जीव समुदाय उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ई ऑप्शन नहीं है, वो संतुलित तंत्र जुड़ा हुआ है। क्लियर यहां तक की बात, चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया। गलती पकड़ लेनी चाहिए क्योंकि आप लोग शिक्षकों, आपकी नजर ही वहां पर पड़नी चाहिए जहां पर गड़बड़ हो गई है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि हम कर चुके थे तो टाइमर भी संग में आ जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49, टाइमर भूकंप की तीव्रता नापने वाला यंत्र SST EVS दोनों में आ जाता है, जल्दी से आंसर बताना है आप लोगों को, SST और EVS दोनों में आता है, ठीक है। हाँ जी सही पकड़े हैं, क्या हो जाएगा यहां पर, जल्दी से बताइए। आंसर आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है, क्या है आंसर, आंसर क्या होने वाला है यहां पर, तो 14 का आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ, 14 का आंसर क्या हो जाएगा, सिस्मोग्राफ 14 का आंसर रहेगा। कंप्यूटर जी आंसर शो कर दीजिए प्लीज, सिस्मोग्राफ हो जाएगा जो 14 का आंसर रहेगा, ठीक है। अब क्या करें, कंप्यूटर जी भी कभी कभी क्या हो जाता है, भूकंप के झटकों के बीच में फंस गए थे, ठीक। तो 14 का आंसर सिस्मोग्राफ होने वाला है। और एक और एडिशनल क्वेश्चन आपके लिए, जो भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है, और जो अगर बात पूछी जाए स्केल क्या होता है, भूकंप की तीव्रता मापने का स्केल क्या होता है, किससे नापते हैं भूकंप की तीव्रता और इसकी मैक्सिमम लिमिट क्या होती है, ठीक, जल्दी से बताओ यहां पर इसका स्केल कौन सा होता है भूकंप की तीव्रता नापने का, और उसकी मैक्सिमम लिमिट यानी कि अपर लिमिट क्या होती है उसकी, जल्दी से बताना है यहां पर। हाँ क्या होने वाला है यहां पर, जल्दी से बताइए, रिएक्टर स्केल रहेगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक। हिंदी में रिएक्टर ही कहा जाएगा, इंग्लिश ही, हाँ बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अपर लिमिट की अगर बात पूछी गई थी, तो अपर लिमिट कुछ नहीं होती है, ठीक है, अपर लिमिट कुछ नहीं होती है इसकी, ठीक, क्लियर यहां तक। रिएक्टर स्केल और इसकी मैक्सिमम अपर लिमिट कुछ फिक्स नहीं की गई है, मैक्सिमम हम 9 या 11 के आसपास मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि भूकंप कितनी तेज आएगा इसका कोई फिक्स रिएक्टर नहीं है, ठीक है। चलिए बिल्कुल बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, और आंसर भी दिखा दिया, बिल्कुल ठीक है, ये दोनों में आता है SST EVS, फिर से मैंने कहा ना मिक्सअप क्वेश्चन चला, अभी तो 15 ही क्वेश्चन है और भी होने वाले हैं। सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, और आपको संघ में बताना है एक और पॉइंट कि सर्वाधिक
गर्म ग्रह कौन सा है? हॉटेस्ट प्लेनेट। हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? सूरज का सबसे पास का ग्रह। आंसर दिखा दो कंप्यूटर जी, आंसर दिखा दीजिए। दिखा दिया है। और हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा होगा, सबसे गर्म ग्रह कौन सा होगा, ये भी आपको बताना है। 15 का आंसर डी 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 और वीनस। और एफ, एफ क्या है भाई, एफ में भी क्वेश्चन ऑप्शन एफ भी आ रहा है, लग रहा है डी के संग में एफ दब गया है गलती से। चले ठीक है, समझ में आ गई है बात। ठीक, बिल्कुल ठीक, डी इज द राइट आंसर। सूरज के सबसे पास का ग्रह कौन सा मिलता है? तो सूरज के सबसे पास मिलता है हमारा मरकरी। और सबसे गर्म कौन सा मिलेगा, तो हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा मिलेगा, जल्दी बताना है, बहुत जल्दी, बुध ही मिलेगा क्या भैया? सूरज प्लेनेट नहीं है, सूरज स्टार है, तारा है सूरज। सूरज एक तारा मिलता है, मंगल, मतलब मिशन मंगल देखिए तो सब मंगल के पीछे पड़ गए, क्या हो गया यहां पर? सबसे गर्म ग्रह कौन सा मिलेगा, वो है वीनस। ठीक है, वो है शुक्र। ठीक, क्या है वो, शुक्र है सबसे गर्म ग्रह। क्यों है? क्योंकि शुक्र का जो वातावरण है वो 95% बना हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का, और कार्बन डाइऑक्साइड हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग का काम करती है। तो शुक्र सोचो कितना गर्म होगा जब हमारे यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ 0.03% है। ठीक है, जितनी चीजें बोल रहा हूँ ना सब एग्जाम के क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कंप्यूटर जी, और टाइमर भी लगा दीजिए। गिर राष्ट्रीय पार्क, गिर नेशनल पार्क, अगर टीवी देखते हो तो आंसर बता दोगे। ठीक है, गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है और प्रसिद्ध किस लिए है, कौन से जानवर के लिए, क्योंकि नेशनल पार्क तो जानवर के लिए फेमस होगा, जल्दी बताना है। अच्छा जी, मामा के घर गए थे हैं? हाँ, कनेक्शन में आए नहीं है, निकल गया विक्रम हमारे हाथों से। खैर चलो, 16 का आंसर गुजरात में मिल जाता है, बिल्कुल सही है। प्रसिद्ध किस लिए ये बताओ, कभी तो आओ गुजरात में, देखा होगा ना एड गुजरात टूरिज्म का, कभी तो क्या है था वो, दिन गुजारिए गुजरात में, कुछ इसी तरह की टैगलाइन चला करती थी बड़ी फेमस अमिताभ बच्चन की। लायन के लिए बब्बर शेर जो हम देखते हैं ना, जो माता रानी वाले शेर बड़े बड़े बालों वाले मिल जाते हैं, उनके लिए फेमस है। और पूरी दुनिया में गिर नेशनल पार्क ही ऐसा है जहां पर क्या मिलता है, एशियाटिक लायन मिलते हैं। उसके अलावा पूरी दुनिया में इन लायन का अस्तित्व समाप्त तो हो चुका है, तो इसीलिए गिर नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ गिने चुने शेर बचे हैं। जो बोलते हैं ना कि अब हम शेर हैं, तो वो क्या है, संभल के रहे, क्योंकि क्या है, उनकी प्रजाति विलुप्ति की कगार पर है और हम उन्हें बचाने पर लगे हुए हैं। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है टाइमर। एस्किमो कहाँ पाए जाते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन मिल जाता है, क्योंकि अगर छोटे बच्चों की किताब आप देखते हैं तो एस्किमो के घर को क्या कहा जाता है ये बताओ आपको। और एस्किमो का एक हथियार होता है, उसका नाम क्या होता है, ये भी अभी बताओगे, इस पर अभी बात करेंगे, ये कमेंट के लिए नहीं छोड़ेंगे, कमेंट के लिए बाकी क्वेश्चन है आपके लिए। गिर के गुजरात और गुजरात के शेर है, अच्छा चलो इसका आंसर बताओ जरा शेर जी। आंसर कंप्यूटर जी ने बता दिया है और आप लोग भी आंसर बताना है। तो आंसर क्या रहेगा, एस्किमो कहाँ पर पाए जाएंगे, कौन पहुंच गया था मेडिटेरियल रीजन में, कौन पहुंच गया था, विषुवतीय क्षेत्र में पहुंच गए थे भाई सारे के सारे लोग, इक्वेटोरियल, मेडिटेरियन, वेस्टर्न यूरोप। तो एस्किमो मिलता है हमें टुंड्रा रीजन में, बहुत ठंडी जगह पर ये मिलते हैं, और जो जगह ठंडी मिल जाती है उस जगह को क्या कहा जाता है, टुंड्रा क्षेत्र कहा जाता है, ध्यान रख लेना। जो ठंडी जगह जैसे साइबेरिया और कनाडा के ऊपर का रीजन मिल जाता है, जहां सर्दियों में बिल्कुल बर्फ जमी हुई मिलती है, उस जगह को टुंड्रा कहा जाता है। और जहां पर कभी बर्फ, मतलब कि सर्दियों में, सर्दियां और गर्मियों में बर्फ पिघल जाती है, वो टैगा क्षेत्र होता है। ठीक है, तो ये यहां पर हम देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक। एस्किमो का घर क्या होता है, इग्लू कहा जाता है इसके घर को, ठीक है, इग्लू कहा जाता है, इग्नू मत कर देना, इग्नू यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, इग्लू। और इसका हथियार क्या था, हथियार क्या था, टुंड्रा, ठीक है, हथियार बताओ भाई जल्दी से, क्या था इसका हथियार, इसका हथियार था हारपून। इसके हथियार को कहा जाता है
हारपून, ठीक, हथियार को हारपून कहा जाता है, ठीक है, और लाइक भी होने चाहिए भैया, इतनी मेहनत चल रही है, इतनी अच्छी हमारी बातें चल रही है, बीच में एडिशनल चीजें भी मिल रही है, फिर भी लाइक करने में इतनी कंजूसी, भारत की अर्थव्यवस्था की तरह कंजूसी चलती चली जा रही है यहाँ पर, जल्दी से लाइक बढ़ा दो और कम से कम 200 लाइक होने चाहिए, क्योंकि 250 लोग तो देख रहे हैं भैया, 250 चाहिए आप तो 250 लाइक जल्दी से कर दो सभी लोग, और सेशन को शेयर भी कर दो, क्योंकि 300 प्लस पहुंचना है हमें, और आज आप लोग करवाएंगे 1 लाख सब्सक्राइबर, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है, जल्दी से कर दो, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, तब तक हाँ बिल्कुल ठीक है। इग्लू जो हम छोटे बच्चों की किताबों में पढ़ते थे वो क्या है, वो यही है कि घर कौन सा है, इग्लू है, इनका घर बर्फ का बना हुआ होता है, आप सोचो बर्फ के घर में कैसे रहेंगे, तो क्या होता है, देखो अंदर से बर्फ का घर रहेगा, ठंडा रहेगा, पानी टपकेगा, अभी तो बर्फ के अंदर आग लगा के रखते हैं, तो आग अगर बर्फ के घर के अंदर लगाएंगे तो फिर क्या होगा, तो ये है कि जो ये लोग रहते हैं ये सील मछली, जो सील मछली अक्सर किस में दिखती रहती है हमारे पास, जो सर्कस में दिखती रहती है, उन सील मछली की खाल घर के अंदर बर्फ के ऊपर लपेट देते हैं और तब अंदर हल्की सी आग लगाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है गर्मी वहां बनी रहती है, ठीक है। इग्लू आपने बच्चों की किताबों में कुछ इस तरीके का घर देख लिया होगा, यह लगातार क्या होता है बर्फ के बने हुए मिलते हैं और छोटा सा एक दरवाजा होता है, ठीक, ये यहां पर हम देख लेते हैं, बिल्कुल जल्दी से लाइक बढ़ाना है और क्या करना है शेयर भी करना है, 1 लाख मिलियन का टारगेट आज ही आप लोग पूरा करवाएंगे, तो जल्दी जल्दी भैया इतनी कंजूसी नहीं है, जरा सा चैट क्रॉस करो और तुरंत लाइक का बटन दबा दो ताकि हम फिर अगले क्वेश्चन की ओर चल सके। हाँ टुंड्रा वाला रिपीट कर देते हैं, देखो टुंड्रा जो ठंडे इलाके होते हैं, जो हमारी पूरी पृथ्वी में ठंडे इलाके मिल जाते हैं वो टुंड्रा के नाम से कहे जाने जाते हैं, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं ना जो गर्म है, जैसे कि अमेजन के जंगल, क्या बोला था उनको, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन बोला गया था, वर्षा वन बोला गया था, वैसे ही ठंडी जगह जो होंगी, ठंडी जगह जहां हमेशा बर्फ जमी रहेगी उसको टुंड्रा कहा जाएगा, ठीक, स्पेशली किस जगह पर मिलते हैं अगर पूछा जाए ये, तो एस्किमो कहां मिलते हैं, एस्किमो मिलते हैं अलास्का में, ठीक है, एग्जाम में अलास्का मिल जाता है, अलास्का के अलावा कहां मिलते हैं, कनाडा में मिलते हैं, ठीक, ऊपर वाले रीजन में, और साथ ही कहां मिलेंगे, ये मिलेंगे आइसलैंड में, ठीक है, हां बिल्कुल ग्रीनलैंड, ओ ठीक है, नेहा बिस्ट जी बड़े दुख की बात है अगर ऐसा कुछ है तो, ठीक, लेकिन फिर भी आप यहाँ क्लास में हैं, ये बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी बात है, आपका जज्बा वाकई में काफ़ी तारीफ मिलता है, ठीक है, चलिए आप थोड़ा सा धैर्य रखो, आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है नेहा जी, हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, ठीक है, बिल्कुल लाइक ना सही डिसलाइक ही सही, कुछ तो मिले पता तो चले, ठीक है, कुछ तो मिलना चाहिए ना, देखो या तो अच्छा ही मिले या बुरा ही मिले, मिलना जरूर चाहिए, लाइक मिले या डिसलाइक मिले, ठीक है, और लगातार वॉचिंग बढ़नी चाहिए। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं यहाँ पर, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, बहुत इजी क्वेश्चन है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है और बाकी दिन भी क्या मनाएंगे जरा ये भी बता देना, 31 मई को क्या मनाएंगे ये बताना है आप लोगों को, 21 मार्च को क्या मनाएंगे ये बताना है आप लोगों को, और नहीं बताऊंगा वरना आंसर आ जाएगा, कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, आंसर तो बता दिया कंप्यूटर जी ने, और 11 जुलाई को क्या मनाएंगे ये भी बताना है आप लोगों को, आंसर सी इज द राइट आंसर, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, SST EVS दोनों में ये मिल जाता है, तो दोनों के लिए बिल्कुल लाइक बनता है यहाँ पर, ठीक है, SST EVS दोनों के लिए लाइक बनता है, आप बताओ 31 मार्च को क्या मनाया जाता है, एक एक करके बता दो यहाँ पर, 31 मार्च डैश ये बताओ जल्दी से, 21 मार्च ये बताओ, और 11 जुलाई ये बताओ, जल्दी से बता दो ये पूछा जाता है, ठीक है, जल्दी से बताओ भाई ये पूछा जाता है, 11 जुलाई पॉपुलेशन डे, 21 मार्च कौन सा है वानिकी दिवस, अच्छा, और लेबर डे 1 मई को क्या मनाते हैं भाई, फिर जल्दी से 11 जुलाई तक तो सब लोग पहुंच गए हैं, टोबैको डे तक पहुंच गए हैं, 21 मार्च वुमेन डे, अरे कौन है यहां पर ऐसे कैसे बात कर रहे हैं, ये हो गया हमारा जनसंख्या दिवस, पॉपुलेशन डे, पॉपुलेशन डे के बाद अगर हम देखते हैं 31 मई तो ये मिलता है नो टोबैको डे, तंबाकू निषेध दिवस, और इस दिन मनाते हैं हम फॉरेस्ट डे,
ठीक है, इस दिन क्या मनाते हैं? फॉरेस्ट डे। 21 मार्च फॉरेस्ट डे होता है, 22 मार्च वाटर डे होता है। ठीक, 22 मार्च क्या होता है? वाटर डे होता है। 21 मार्च युवा दिवस, मतलब कुछ भी, जिसे बोलते हैं ना हाई टॉप, कुछ भी, मतलब कुछ भी पूछा है तो भाई मुझे पता है तो मैं तो यही बताऊंगा। ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है। हम युवा दिवस मनाते कब है? 12 तारीख को मनाते हैं, 12 जनवरी को मनाते हैं विवेकानंद जी का जन्मदिन युवा दिवस के रूप में। ठीक है, नो टोबैको डे था ये, वर्ल्ड टोबैको नहीं, नोट एंटी टोबैको डे या नो टोबैको डे हम कह सकते हैं इसको, तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू खाना नहीं है, तंबाकू खाने से रोकना है लोगों को। ठीक है, तो थोड़ा ये चीज ठीक कर लेना। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ बिल्कुल, तंबाकू निषेध दिवस, विश्व वानिकी दिवस, बहुत बढ़िया। कौन है यहाँ पर? आर एन मिल जाते हैं, आर एन राज, और कौन है? महेंद्र सिंह जी भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही है। कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइमर दिखा दीजिए प्लीज। अगला क्वेश्चन और टाइमर, सर्वाधिक अवसाद ढोने वाली नदी कौन सी है? अवसाद मतलब ऐसी नदी जो बहुत सारा मलबा लेकर के आएगी, और मलबा कहाँ से लाएगी? जब वो ऐसी जगहों से गुजरती हुई जाएगी जहां पर मलबा बहुत सारा मिलेगा। अब जल्दी जल्दी बताना है, क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम है कम। आप भी पानी पी लो, तब तक क्वेश्चन भी पढ़ते रहो, क्योंकि आपके तो हाथ में मोबाइल है ना, मोबाइल में करते करते हो जाता है सारा का सारा काम। लैपटॉप में देख रहे हो तो फिर तो और आसान रह जाता है हमारे पास। आंसर बताओ जल्दी से, आंसर कंप्यूटर जी ने बता दिया है, आंसर ब्रह्मपुत्रा नदी है। अमेजोन क्यों नहीं है अगर इसकी बात की जाए तो? ध्यान रख लेना, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत वाले रीजन से आती है, और आसपास का बड़ा इलाका क्या मिलता है? पथरीला मिल जाता है हमें वहां पर, और इसलिए उसमें मलवा बहुत ज्यादा मिलता है। ठीक है, वैसे भी हम क्या देखते हैं, वैसे हम देखते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। तो इसका मतलब होगा गंगा या ब्रह्मपुत्र में से भी कोई नदी बहुत सारा मलवा लेकर के आती है, तभी तो डेल्टा बनता है। तो इन दोनों नदी में से, गंगा और ब्रह्मपुत्र में से बड़ी नदी गंगा है, इसलिए ज्यादा मलवा लेकर के आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगले सेशन की यानी कि अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं कंप्यूटर जी, क्वेश्चन और टाइमर। शांत ज्वालामुखी कौन सा है? शांत मतलब होता है डेड वॉल्केनो, जो वॉल्केनो गया, मर गया, जो वो हो गया शांत। जो जीवित है वो क्या करेगा? हलचल करेगा। ठीक है, जो जीवित है वो हलचल करता रहेगा। ठीक है, भी ध्यान रख लेना। और जो शांत हो गया मतलब वो क्या है? वो मर गया। तो यहां मृत ज्वालामुखी कौन सा है? रिप्लाई देना है। 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे है, एंटी टोबैको डे कहाँ बोला यार? मेरे को तो यही ध्यान है कि जो मैंने क्या बोला था, 31 मई बोला था एंटी टोबैको डे। ठीक है, कौन है यहाँ पर? अंजलि जी, 31 मई एंटी टोबैको डे बोला था, 21 मार्च जो बोला था वो क्या है? 31 मई एंटी टोबैको बोला था, 21 मार्च फॉरेस्ट डे बोला था, यही बात हो रही थी, लिखा भी था सामने। अब हो सकता है 21 मार्च का 31 मई गलती से मुंह से निकल गया हो, तो थोड़ा सा उस चीज को ध्यान रख लेना। ठीक है, ठीक है अंजलि जी, बता दिया आप लोगों को। ठीक, चलिए, हाँ विसुवियस मिल जाता है यहाँ पर, क्या बात है पीयूष, पीयूष जी वीडियो टीवी पर चल रहा है, बहुत बढ़िया बात है, बड़े टीवी पर बड़े पर्दे पर देखेंगे हम। ठीक, खैर, शांत ज्वालामुखी विसुवियस मिल जाता है, शांत ज्वालामुखी, किलिमंजारो भी एक शांत ज्वालामुखी से मिल जाए हमारे पास, लेकिन ये क्या है? ये डोरमेंट है, कभी कभी फटता है। क्राकाटोवा और स्टाम्बोली वॉल्केनो, हाँ स्टाम्बोली इटली में मिल जाता है, ये एक्टिव मिल जाते हैं। ठीक, 31 मार्च फॉरेस्ट डे, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन और टाइमर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइमर। मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन बताओ जल्दी से, कहते हैं इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या होता है? मतलब हम जो टेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं टेस्ट? टाइम पास चल रहा है क्या यहाँ पर? क्या कर रहे हैं? छात्रों के कौशल का विकास करेंगे, छात्रों की उपलब्धियों को बताएंगे, छात्रों की रुचि का पता करेंगे, या उनकी क्या क्वालिटी है इसका पता करेंगे? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि यहां पर इवैल्यूएशन क्या होने वाला है। कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए, छात्रों का कौशल डेवलपमेंट इवैल्यूएशन किससे रिलेट होगा? छात्रों के कौशल डेवलपमेंट से रिलेट होगा। ठीक है, इसका आंसर कौन सा मिल रहा है? बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है,
बी ए बी ए बी ए मुझे जो सूटेबल, क्योंकि जब भी हम टीचिंग मेथड की बात करते हैं तो टीचिंग मेथड के बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो क्या होते हैं, हमें दो दो आंसर लगने लगते हैं। तो मुझे जो सूटेबल आंसर है वो ये है कि इवेल्यूएशन के द्वारा हम बच्चों में देखेंगे कि उनका जो कौशल, जो उनके गुण हैं वो कितने विकसित हुए हैं। लगातार इवेल्यूएट करना मतलब सिर्फ टेस्ट लेना नहीं है, इवेल्यूएट करना का मतलब ये कि उन्होंने कितना सीखा है, ठीक है। इसीलिए यहां पर ये हमारे पास मिल रहा है, ठीक, क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, कक्षा शिक्षण कैसा होना चाहिए, क्लासरूम टीचिंग कैसी होनी चाहिए, एक तरफा होनी चाहिए, सघन होनी चाहिए, इंटरेक्टिव संवाद होना चाहिए, या इजी आसान सी होनी चाहिए। मतलब आसान से क्वेश्चन पूछो, मैं भी खुश आप भी खुश, बात खत्म, ऐसा कुछ हो क्या? या फिर मैं यहां पर आऊं और बोलता रहूं इसका आंसर ये, उसका आंसर ये, और आप चुपचाप बैठ कर देख रहे, मतलब बस ऐसा रहेगा क्या? या फिर एक तरफा, ठीक है, या बिल्कुल डेंस, मतलब बहुत सारे बच्चे बैठे हुए, आए लेक्चर दिए और चल दिए, कैसा हो सकता है? कौन बनेगा करोड़पति, जल्दी खेलेंगे तो 50-50 भी करेंगे, ठीक है। इसका आंसर होना चाहिए परस्पर संवाद। मतलब जब भी क्लासरूम होता है तो आप क्या चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जिनको पढ़ा रहे हैं वो आपको जवाब दें, ठीक, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अगला क्वेश्चन मिलेगा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है। बहुत इजी क्वेश्चन में से एक मिलता है, ये बहुत इजी क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन मिलता है, ऑपरेशन फ्लड। बाढ़ नहीं है यहां पर, ठीक है, बाढ़ से संबंधित, अरे तो मैंने बोल ही दिया ऑप्शन, बाढ़ से संबंधित नहीं है, तो किससे संबंधित मिलेगा ऑपरेशन फ्लड, तो बिल्कुल ठीक है, ऑपरेशन फ्लड हमारे यहां पर मिल जाएगा। काफी आंसर बिल्कुल सही आ गए हैं, क्या है ज्योति गुप्ता जी, नाम नहीं लेते ऐसे कैसे बात हो गई है, बिल्कुल नाम ले लिया आपका, ठीक है, आपका नाम लेते ही रोशनी, प्रकाश हो गया, ज्योति हो गई, सबके आंसर ठीक हो गए, सी इज द राइट आंसर, सी सही आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत, ये क्वेश्चन एसएसटी ज्योग्राफी वालों के लिए भी है और ईवीएस के लिए भी है, पहला क्वेश्चन भी ऐसी था। मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, ओवरलैप होते हैं, एक क्वेश्चन या एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से जुड़ा हुआ मिल जाता है, ठीक है, बिल्कुल हाँ, यही याद दिला दिया इन्होंने, भाई पानी भी पी लेते हैं थोड़ा सा, आप भी पानी पी लो। और मैंने भी बताया था, कौन है, ऋषभ पांडे जी थे जिन्होंने ये बताया था, मिल्क प्रोडक्शन बताया था। अगले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है और स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, टाइमर अप होते ही सबसे लोएस्ट लेयर नीचे वाली परत कौन सी है ये आपको बतानी है। बिल्कुल ठीक है, आंसर है ट्रोपोस्फेयर, सबसे नीचे वाली परत कौन सी है। भैया गड़बड़ कर रहे हो अभी भी आप, मेरा भी नाम लेना है, कौन है, निकल गए जब तक नाम लेना पड़ रहा था, ठीक है। आंसर क्या है, ट्रोपोस्फेयर मिल जाती है हमारे पास, सम शोभ मंडल, शोभ मंडल। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात, क्या बताया था आपको, अगर ये हमारा अर्थ सरफेस हमारे पास मिल जाता है, जहां आप लोगों का घर है और आप आराम से टीवी में बैठ करके देख रहे हैं सभी चीजें, मोबाइल में देख रहे हैं सभी चीजें, आपके घर के बगल में बहुत बढ़िया सा पहाड़ मिल जाता है और आगे नदी पर्वत तालाब सब कुछ यहीं पर मिल जाते हैं, तो सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी मिल जाती है, शोभ मंडल, ट्रोपोस्फीयर, उसके बाद कौन सी मिलती है, समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, उसके बाद कौन सी मिल जाती है, मध्यमंडल, मीजोस्फीयर, ठीक है, उसके बाद कौन सी मिलती है, तो एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ था, एक्सोस्फीयर दिया था, जल्दी बताओ यहां पर कौन सी परत मिलती है अगली, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बोलते हैं यहां पर, कौन है, ऋषभ पांडे जी, जल्दी से बताना है यहां पर, ठीक है, जल्दी से यहां पर बताना है ऋषभ जी, ठीक है, सप्तान जी आपने भी सही बताया था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मध्यमंडल के ऊपर की बताना है यहां पर कौन से, क्योंकि आयरन मंडल एक्सोस्फीयर दिखते हैं, हाँ यहां पर मिलता है तापमंडल, थर्मोस्फीयर, और सबसे ऊपर आता है एक्सोस्फीयर यानी कि बाह्यमंडल, तो ये हमारे यहां पर सिक्वेंस मिल जाती है, ठीक, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए 23 क्वेश्चन समझ में नहीं आया, अरे कम्युनिकेशन कैसा होगा, परस्पर संवाद, मतलब आपने कुछ क्वेश्चन पूछा, बच्चों ने आंसर दिया, यही तो था 23 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 24 क्वेश्चन का क्लियर हो गया, यहाँ पर सबसे नीचे ट्रोपोस्फीयर है, उसके बाद समताप मंडल मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिलेगा हमारे यहाँ पर, अगला क्वेश्चन और टाइमर, तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने मिल रहा है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है, लॉर्ड मैकाले जल्दी से बता रहे हैं, इसके संग में एक और एडिशनल फैक्ट दिमाग में मेरे आ रहा है, ठीक, कौन है यहाँ पर,
भूवा मीडिया, भव्य जी नाम ले लिया आप लोगों का, और ओजोन लेयर सेकंड में मिलेगी, ठीक है उषा जी, ओजोन लेयर सेकंड में मिलेगी। अभी जो क्लास चलेगी वो क्लास कौन सी चलेगी? कंटिन्यू हमारी क्लास ही चलेगी। मैथ वाले सर आज पेपर था उनका, ठीक है उनके लिए ऑल द बेस्ट हम भी बोल देते हैं, आप भी बोल रहे हैं, ठीक। तो कल वो क्लास कंटिन्यू करेंगे फिर। अभी इसका आंसर बताने क्या होने वाला है, लॉर्ड मैकाले किससे संबंधित है? लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। और अगर ये पूछे कि जो अंग्रेजी शिक्षा है वो किस गवर्नर के समय पर हुई थी, उस समय भारत का गवर्नर कौन था? जल्दी से ये आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है। भारत का गवर्नर कौन था जब अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई थी मैकाले के समय पर? मैकाले के समय पर भारत का गवर्नर कौन था ये आपको बताना है, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक। यानी कि अगर ये पूछा जाए ना क्वेश्चन किस गवर्नर के समय पर अंग्रेजी शिक्षा लागू हुई या भारत की शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बना दिया गया, तो उस गवर्नर का नाम आपको बताना है, कमेंट में बताना ये। और अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, ठीक बिल्कुल प्रियंका जी धन्यवाद, उनकी तरफ से मैंने आपको बोल दिया। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर मिलता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट और सेकंड पेपर के लिए, ठीक है। कौन है यहाँ पर? शालिनी जी अभी नहीं बताना है, बाकी लोग भी ध्यान रखो, इसका आंसर बताओ क्या होने वाला है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारत की पहली महिला अध्यक्ष, भारत की पहली महिला अध्यक्ष, अरे इसका आंसर बताओ भैया, बैंटिक को छोड़ दो, ठीक है चलो मेरे मुंह से ही आंसर निकल गया, क्या बोलोगे आप? बाकी लोग भी कमेंट करके फिर भी बताना, अच्छा लगता है कमेंट आते हैं तो, ठीक है जल्दी बताओ यहाँ पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल इसका आंसर बताना है भाई, हाँ शोभ मंडल सबसे निचली पर है, बिल्कुल ठीक है, पुराने वाले क्वेश्चन का आंसर आ गया है इसका, एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। एनी बेसेंट भारत की पहली, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, फिर से कमेंट करके बताना, अब नहीं नाम लूंगा किसी का मैं। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, ऑल टाइमर, भारत के इतिहास में किसे स्वर्ण युग कहा जाता है? भारत के इतिहास में किसे स्वर्ण युग कहा जाता है ये आपको बताना है। इन इंडियन हिस्ट्री विच इज कॉल्ड गोल्डन एरा, मौर्य पीरियड रहेगा, वैदिक पीरियड है, गुप्ता पीरियड है, या वर्धन पीरियड रहेगा, मतलब मौर्य वंश के समय का काल रहेगा, वैदिक काल रहेगा, गुप्तों का काल रहेगा, या वर्धन काल रहेगा, जल्दी बताओ यहाँ पर। ऋषभ जी लास्ट सोनिया गांधी, हाँ बात ठीक है, इसका आंसर 27 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, कंप्यूटर जी आंसर दिखा दो अब आप, आंसर सी इज द राइट आंसर, गुप्ता डायनेस्टी। क्यों गुप्ता डायनेस्टी? क्योंकि जो गुप्त वंश का टाइम रहा है, उस गुप्त वंश के टाइम में क्या हुआ था, बहुत सारी किताबें लिखी गई थी, रामायण तब लिखी गई, महाभारत लिखी गई, जीरो का खोज आविष्कार करने वाला आर्यभट्ट, आर्यभट्टीय नाम की किताब लिख रहा है, भारत के शेक्सपियर कालिदास ने बहुत सारी अभिज्ञान, शाकुंतलम, मेघदूत, मालविका, अग्निमित्र, तो संहार जैसी बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिखी, पंचतंत्र लिखी गई, ना जाने और कितनी किताबें लिखी गई थी, इसलिए इसको क्या बोला गया था, वैदिक काल बोला गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन और टाइमर, और क्वेश्चन है दिल्ली की जो लाल किले में मोती मस्जिद है वो किसने बनवाई थी? दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी ये आपको बताना है यहां पर। दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद कौन बनवा रहा है, जल्दी से बताओ यहां पर भाई, कौन बनवा रहा है दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद? हाँ बिल्कुल विदेशी दास जी, आर्यभट्ट जीरो की खोज करने वाला बंदा था, ठीक है, लेकिन जीरो का सिद्धांत नागार्जुन ने दे दिया था पहले ही, जीरो का सिद्धांत नागार्जुन ने दिया था, बाद में प्रूफ किया था आर्यभट्ट ने, ठीक बिल्कुल ठीक है। कौन बनवा रहा है? तो शाहजहां बनवा रहा है दिल्ली के लाल किले की मोती मस्जिद, जबकि आगरा की जो मोती मस्जिद बनवाने का काम कर रहा था वो कौन कर रहा था? वो औरंगजेब कर रहा था। कौन है यहाँ पर? नाम नहीं ले रहे हो, सचेंद्र शायद आपका नाम है, जल्दी से निकल गया था, ठीक है बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन को चल रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारे सामने मिलेगा, 29 क्वेश्चन, सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी ये आपको बताना है। सिकंदर लोदी ने किस शहर की स्थापना की थी, जल्दी आंसर आपको बताना है, सिकंदर लोदी कौन सा शहर बना रहा है?
क्या हो गया औरंगजेब शाहजहां में कुछ गड़बड़ हो गई है क्या? ठीक है, अच्छा ये चीज आपके लिए होमवर्क भी है, क्रॉस चेक करते रहना, कुछ क्वेश्चन जानबूझ के मैं आपको देता हूँ कि क्या बना रहे, आप बाद में भी इस चीज को सोचो और बाद में एक चीज आपको ध्यान रह जाए, तो मोती मस्जिद का एक बार फिर से आप देख लेना, मैं भी देखूंगा। आप 29 का आंसर बताओ जल्दी से, आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी। आगरा शहर 1524 में बनवा रहा है सिकंदर लोधी, आगरा शहर। और एक और पॉइंट वो ये कि आगरा जो शहर है उसका पुराना नाम क्या था, या फिर आगरा शहर की स्थापना किस जगह पर की गई थी, आगरा शहर की स्थापना किस जगह पर की गई थी, यानी कि पुराना नाम क्या था, पहले उस जगह का नाम क्या था बाद में जिसको आगरा बना दिया गया। ठीक है, कौन है नरगिस जी, गड़बड़ हो गई क्या कुछ, शाहजहां औरंगजेब की, तो एक बार चेक कर लेना फिर से, फिलहाल आगे करना है हमें, इस चीज को भी देखना है, इसको हम डिटेल में फिर करेंगे। आगरा शहर का पुराना नाम क्या था, ये आपको क्या करना है, ये आपको कमेंट करके बताना है बाद में। अगला क्वेश्चन कौन सा रहेगा हमारा, अगला क्वेश्चन रहेगा चंद्रमा और पृथ्वी की लगभग दूरी कितनी है, चंद्रमा और पृथ्वी की लगभग दूरी कितनी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आगरा शहर बताया था, मैप वाले क्वेश्चन भी कराने हैं प्रिया जी, बिल्कुल मैप वाले क्वेश्चन आगे मिलेंगे तो करवाएंगे, वरना उसके लिए अलग से एक और सेशन हम कर देंगे जिसमें मैप वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपको। ठीक है नीतू जी, 28 का औरंगजेब था क्या, चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, 1524 में, नहीं, यहां पर गरिमा जी, आगरा शहर की स्थापना 1524 में, 1524 में ही तो हुई थी, सही तो है। ठीक है, आगरा शहर तो हिस्ट्री के फैक्ट है, बहुत बार क्या होता है ईवीएस और बाकी चीजें करते करते ना दिमाग से थोड़ी सी फैक्ट इधर से उधर भी हो जाते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पूरा ध्यान है 1524 ही था, 1526 में या 24 में, क्योंकि 1526 में पानीपत की लड़ाई हो गई थी। हाँ बात कुछ सही कह रहे हो आप, चलो कोई नहीं है, उसको भी चेक कर लेना एक बार। फिलहाल इसका आंसर क्या होने वाला है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर होने वाला है अप्रोक्सीमेट 3,64,000 के आसपास पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी मिल जाती है। ठीक है, 30 का आंसर होने वाला है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या मिलेगा हमारे सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, भारत में कौन सी एक नदी है जो ब्रंश घाटी से बहती है, भारत में कौन सी नदी है जो ब्रंश घाटी से बहती है, ये आपको बताना है यहां पर। ब्रंश घाटी से बहने वाली नदी का नाम बताओ जल्दी से, 31st। ठीक है, 31वें क्वेश्चन का आंसर बताओ, 1504 में हुआ था, बिल्कुल ठीक, 1504 और फिर 1506 में शिफ्ट हुआ था, हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है, याद आ गया ये, 1526 में तो पानीपत की लड़ाई हो गई थी, औरंगजेब कहाँ, ये सिकंदर लोधी कहाँ से आया था। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, ठीक है सही है, मैंने कहा ना कोई भी कभी कंसेप्ट मतलब फैक्ट क्या होते हैं मिस हो जाते हैं, तो वही है कि सिकंदर लोधी 1504 में स्थापना कर रहा है और 1506 में आगरा को राजधानी बना रहा है। ठीक है क्लियर, यहां तक ये चीज ध्यान रख लेना। और जो ब्रंश घाटी से होने बहने वाली नदी है उसका नाम है नर्मदा, बी इज द राइट आंसर। तो जिन्होंने बताया ना उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है मेरी तरफ से, भैया लाइक भी बढ़ाने हैं यहाँ पर, क्या कर रहे हो, 277 वॉचिंग हो रही है, आप कम हो गए 78, भाई लाइक भी बनाने हैं, ये चीज ध्यान रख लेना। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करना है हमें, जल्दी से सेशन को शेयर भी करना है ताकि ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और अच्छा कंपटीशन भी हो सके। कभी कभार तो होता है कि भैया अपने से ही कॉम्पिटिशन होता है, जैसे अभी मेरा कोई फैक्ट था जो मिस हो रहा था, आपने करेक्शन करवा दिया, बहुत बार आपकी चीजें होती है जो मैं करेक्ट करवा देता हूं। ठीक, नर्मदा नदी भारत की एक नदी है जो क्या होती है, जो ब्रंश घाटी से बहती है, इसका एक और पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, इसका एक और पॉइंट याद रख लेना, और वो क्या मिल जाता है हमारे सामने, वो ये मिल जाता है कि भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है ये, वेस्ट फ्लोइंग, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये। ठीक है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये हमारे यहां पर मिल जाती है, ये चीज ध्यान रख लेना। क्लियर, यहां तक नर्मदा नदी यहां पर मिल जाता है, क्लियर। तो जल्दी से क्या करना है यहां पर, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचानी है और हमें आज 1 लाख सब्सक्राइबर भी करने हैं, और आप लोग उसमें हमारी मदद करते हैं और करेंगे, ये मुझे पूरा यकीन है यहां पर। ठीक है बिल्कुल, और दूसरी बात ये, ठीक है दूसरी बात कौन है,
किरण जी, बीच की डिस्टेंस भी क्या हो गई है, चंद्रमा पास खिसक गया होगा ना कभी कभार, घूमते घूमते पास आ जाता है, तो ऐसा कुछ हो गया होगा। इसके अलावा एक चीज़ और ध्यान में रख लेना, और वो ध्यान में क्या रख लेना आप लोगों को, वो ध्यान में ये रख लेना है कि जो आपका फीडबैक हमें मिल जाता है, जो लाइक्स के थ्रू कमेंट्स के थ्रू हमें मिलता है, वही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। कहीं पर किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो रहा है तो उसको जरूर कमेंट करके बताना, वहाँ पर सही ऑप्शन आपको या सही तरीके से क्रॉस चेक करके सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, ठीक है। हाँ, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा, लेकिन अगर नर्मदा ना हो तो ताप्ती दूसरी नदी मिल जाती है, ठीक है, ताप्ती दूसरी नदी मिल जाती है, ठीक, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या होगा कंप्यूटर जी हमारे यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है, क्वेश्चंस प्लीज। तो क्वेश्चन रहेगा और टाइमर के संग में यहां पर रहेगा, ये चीज ध्यान रख लेना। तब तक का जो कंप्यूटर जी ने आपको टाइम दिया है वो दिया है शेयर करने का, जल्दी से शेयर करो यहां पर, ठीक किरण जी, ठीक है। नहीं, डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो डिस्टेंस वही हमारे यहाँ पर मिल जाती है, अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस की बात कर रहे थे यहाँ पर। अब डिस्टेंस में एक बार ये देखना पड़ेगा कि क्या देखना पड़ेगा कि जो क्रॉस चेक यानी कि जो हमारी आंसर शीट है उसमें उसने कौन सा आंसर सही दे रखा है, ठीक। हाँ, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है, ये बताना है यहाँ पर, ठीक है। मनीषा जी, कोई भी इग्नोरेंस नहीं होती है, क्योंकि जहां पर मुझे लगता है कि ये गलत हो गया है मैं उसको करेक्शन कर देता हूं। और दूसरी बात ये कि जब अगर कोई इस तरीके का पॉइंट मिल जाता है तो मैं खुद ये कहता हूं कि एक बार क्रॉस चेक हम कर लेंगे, आप भी एक बार कर लेना उसको, क्योंकि क्या है, फैक्चुअल चीजें मिलती है बहुत बार, ठीक है, फैक्चुअल चीजें मिल जाती हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है ओडिशा से, बाकी भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, कौन कौन से है ये आप लोग बताना है आप लोगों को, ठीक है, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, क्लियर यहां तक, हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती, जो जिनके सही सी बताया ना उनके लिए बिल्कुल लाइक यहां पर बनता है, बिल्कुल लाइक यहां पर बनता है। कंप्यूटर जी, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सदर्न मोस्ट हिमालया। एग्जाम का क्वेश्चन है ये, आया हुआ क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से किसे दक्षिणी हिमालय कहा जाता है, जो हिमालय के दक्षिण में पड़ जाता है, कौन सा मिलता है वो, ठीक है। महेंद्र सिंह जी, 384 मिल रही है चंद्रमा की दूरी, चलिए बढ़िया, अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक, हाँ कौन सा आंसर मिल रहा है, ए शिवालिक, तो शिवालिक सही आंसर मिल जाता है कि जो हिमालय का दक्षिणी हिस्सा है। हिमालय किस तरीके से है, तो हिमालय में 3 रेंज हम देख लेते हैं, सबसे पहले मिलती है ग्रेट हिमालय, फिर मिल जाता है लेसर हिमालय, फिर कौन सा मिल जाता है, लेसर हिमालय, पहला मिलता है महान हिमालय, दूसरा मिलता है लघु हिमालय, और तीसरा है शिवालिक। तो हिमालय का जो तीसरा दक्षिण वाला हिस्सा है वो कौन सा मिल जाता है, वो शिवालिक कहा जाता है, ठीक है, क्लियर यहां तक, ठीक, चलिए अच्छा ठीक है, चलिए कौन है, करण चौधरी जी, बिल्कुल ठीक है, करेक्शन कर देंगे इसको, ठीक है, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम देखते हैं तो 34th क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और टाइमर 34 क्वेश्चन और टाइमर, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सह्याद्री किसका दूसरा नाम है ये आपको बताना है, और जो पृथ्वी और चंद्रमा की अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस थी उसका करेक्शन यहाँ पर करेक्शन करके हमारे जो स्टूडेंट बता रहे हैं वो यही कि 384,000 के आसपास में बताई गई है, ठीक है। तो ये है, यहाँ पर हम देख लेते हैं जो करेक्शन होता है वो ऑलरेडी हम करेक्ट करते हुए चलते हैं, आपका करेक्शन हो या मेरा हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सुधार की जरूरत हमेशा हर जगह पर रहती है, सुधार की जरूरत हमेशा हर जगह पर रहती है, ये चीज ध्यान रख लेना। चलिए फिलहाल आंसर भी बताना है, ठीक है। करिश्मा जी, मैथ की क्लास नहीं हो रही है आज, क्यों नहीं हो रही है, तो बता चुका था कि सर का पेपर था इस वजह से सर नहीं आए हैं, ठीक। तो हम बात करते हैं सह्याद्री किसका दूसरा नाम है, तो बी वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम सह्याद्री पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हम एग्जाम में गलत कर देते हैं। 34 का आंसर अरावली कर रहे हैं अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट, हाँ गड़बड़ नहीं करनी है, सी हिमाद्री भी कर रहे हो,
गलत नहीं करना है भाई, गलत नहीं करना है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है। जब हम पश्चिमी घाट की बात करते हैं, जो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ एक रेंज में हमारे पास मिल जाता है, तो इसी वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या बोला गया है? सह्याद्री बोला गया है। क्लियर बात यहां तक? हाँ, ये प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है, 2015 के क्वेश्चन उठाए गए हैं। कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे वो एक्स्ट्रा मैंने डाले हैं, वरना इन 50 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो वो प्रीवियस ईयर के मिलते हैं, ठीक है। बिल्कुल आयुष जी, क्या हो गया, क्यों हल्क बन गए आप लोग हैं? ठीक, ये चीज ध्यान रख लेना। चलिए आगे की बात करते हैं। बी होगा 34 का, 34 का कौन सा है? बिल्कुल बी होगा, अरावली पश्चिमी घाट ही होगा। बिल्कुल सही बात कर दी है। अच्छा, ये नाम दिया गया है उसका, एक और एक्स्ट्रा नाम दिया गया है, ये चीज हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। क्यों के पीछे, यानी नाम देने के पीछे रीजन क्या है, ये मैंने अभी तक ढूंढा नहीं है। अगर पता है किसी को तो बता देना, स्वागत है उसका यहाँ पर। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा, किनका है? अंकित पाल जी, नाम कैसे नहीं लिया आपका, अभी अभी नाम लिया है। अगला क्वेश्चन, और टाइमर का आंसर आप देंगे अंकित पाल जी। क्वेश्चन का आंसर बताना है आप लोगों को जल्दी से। थर्टी फाइव क्वेश्चन, लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन विच सी? लक्षद्वीप इज लोकेटेड इन विच सी, किस सागर में लक्षद्वीप स्थित है? लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है? अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर अंडमान सागर में? कौन है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। देखिए इतने सारे जब नाम आ जाते हैं ना, तो पर्टिकुलर सारे नाम नहीं लेना, नहीं हो पाता है, ठीक है। बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। आप सोचो इतना आसान आंसर है, जो हमारे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनकी अगर हम बात करें तो अगर भारत में देखते हैं, इस तरीके से भारत है और यहाँ पर हमें क्या मिलता है, अरेबियन सी मिल जाता है, और यहाँ पर बे ऑफ बंगाल मिलता है। बे ऑफ बंगाल में क्या मिल जाता है, अंडमान एंड निकोबार मिल जाता है बे ऑफ बंगाल में, और लक्षद्वीप कहाँ मिल जाता है हमें, अरब सागर में मिल जाता है। इतना आसान क्वेश्चन, सोचो एग्जाम का क्वेश्चन। और मैं पर्सनली जानता हूं काफी सारे स्टूडेंट को जिन्होंने लक्षद्वीप वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। तो क्यों गलत करा? एग्जामिनेशन प्रेशर इतना था ना उनके ऊपर कि क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, ठीक है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, बिल्कुल नेहा वरुणा आपने सही बताया ना, बिल्कुल राइट, बिल्कुल लाइक बनता है भाई यहां पर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 क्वेश्चन, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर बताना है यहां पर, रामकृष्ण मिशन किसने बनाया था? कौन है ऑप्शन में? दयानंद सरस्वती जी है, विवेकानंद जी है, राजा राम मोहन रॉय हैं, दादा भाई नेहरू जी हैं। रामकृष्ण मिशन, बिल्कुल नरगिस जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, सही सही कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पर, ठीक है। सभी लोग सही कर रहे हैं, और साथ ही साथ क्या करो भाई, आंसर आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, लेकिन शेयर भी करना है। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं, हम यहाँ नहीं थके, आप कैसे थक गए हैं? ठीक, तो थकना नहीं है, वॉचिंग हमें बढ़ानी है, क्योंकि वही हमारा मोटिवेशन रहता है। इतनी लंबी क्लास को करने का जब मोटिवेशन मिलता है, जब आप लोग क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, चीजें अच्छी होती है हमारे संग में, तो यहां पर हम देखते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है, शिकागो से लौटने के बाद। शिकागो जो ये वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट करने गए थे 1893 में, 1893 में, 1893 में विश्व धार्मिक संसद में भाग लेने के गए थे, जहां इन्होंने बड़ा फेमस भाषण दिया था, जब इन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे अमेरिका के भाइयों और बहनों, कुछ इस तरीके की इनकी लाइन थी, और पूरा हॉल तालियों से गूंज गया था। सोचो क्या उन्होंने भाषण दिया, कि मतलब पूरी दुनिया में उन तहलका मचा दिया इन्होंने हिंदुत्व या हिंदू धर्म को, वेदों को लेकर के, ठीक है। और इन्हीं की याद में क्या मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, इन्हीं की याद में युवा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। ठीक, क्लियर यहां तक? ठीक है, क्लियर यहां तक। दयानंद सरस्वती ने कौन सा आश्रम बनाया था, और राजा राममोहन राय का भी बता दो जल्दी से, बताओ यहां पर।
जो दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, उनका आश्रम बताना है आपको। तब तक लाइक और शेयर वाला प्रोसेस आप स्टार्ट करो, मैं एडिशनल चीज आपको बता रहा हूं। और राजा राम मोहन राय, इनका आश्रम बताना आपको, ठीक है। मेरा भी नाम लो, ब्रिजेश कुमार जी नाम ले लिया है, अब आपको एक सब्सक्राइबर लेकर के आना है, ठीक है। देखो 1 लाख प्लस करना है हमें यहाँ पर, 1 लाख प्लस करना आज ही यहाँ पर करना है 1 लाख प्लस, और आप लोग ही इसमें मदद कर सकते हैं हमारी, और कोई नहीं। हम सिर्फ यहाँ क्या कर सकते हैं, आप लोगों को पढ़ाने का काम कर सकते हैं, अच्छा कंटेंट और सही इन्फॉर्मेशन देने का काम कर सकते हैं। कभी कभी गड़बड़ होती है ना, तो उसको सही भी कर दिया जाता है, ठीक है, क्लियर। हाँ, दयानंद सरस्वती ने कौन सा बनाया था, तो दयानंद सरस्वती ने बनाया था आर्य समाज, और राजा राममोहन ने पहला बनाया था आत्मीय सभा, और दूसरा बना था इनका ब्रह्म समाज। इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इनके हैं, ये बात ध्यान रख लेना, ठीक है, आर्य समाज और ब्रह्म समाज। लेकिन जो ब्रह्म समाज बोल रहे हैं वो एक ये एडिशनल पॉइंट ध्यान रख लेना यहाँ पर। आत्मीय सभा भारत में धार्मिक सुधारों को लेकर के बनने वाली सबसे पहली सभा थी ये, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। ओके, बिल्कुल अंजलि जी ने बता दिया था सारे 8 के 8 स्टेट, चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन और टाइमर। अगला क्वेश्चन, 1959 में पंचायती राज को किस राज्य में लागू किया गया था, ये आपको बताना है। अच्छा रमा जी, ठीक है, रमा शर्मा जी सबसे पहले बताया, नाम नहीं लिया। असल में होता है क्या है, जो नींव के पत्थर होते हैं वो खामोश रहते हैं, ठीक, ऊंची से ऊंची बिल्डिंग में हम ऊपर कांच के पत्थरों की, कांच की बात तो करते हैं सब, उसकी चमक की बात करते हैं, लेकिन जो उस बिल्डिंग को टिका के रखने वाले नींव के पत्थर होते हैं वो क्या होते हैं, खामोश रहते हैं। इस वजह से आप क्या करिए, आप खामोशी से सफलता की तरफ चलते हुए रहिए, ठीक, ये यहाँ पर हम देख लेते हैं। और इस समय पर कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए एक बार, ठीक, आंसर्स दिखा दीजिए, राजस्थान आंध्र प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, ए इज द राइट आंसर, ए बिल्कुल सही आंसर है हमारे सामने, ए बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। 1959 में राजस्थान में नागौर से पंचायती राज की बात हुई थी यहाँ पर, और अब हमारे संग में ईवीएस वाली मैम कुछ बताने वाली हैं, सॉरी ईवीएस तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते भूल गया, इंग्लिश पढ़ाने वाली मैम हमारी, तो इंग्लिश वाली मैम कुछ बता रही है इन्फॉर्मेशन चीजें। एक बार एक अच्छा सा बच्चों को एक जानकारी दे दें, क्योंकि बैच कब चालू होगा मैम, कब चालू होगा, उसकी बहुत हमें बहुत बच्चों ने बहुत सवाल पूछे हैं। तो पेड बैच आप सभी का 16 सितंबर से चालू होने वाला है, फाइनल है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। मैं आपको यहाँ पे आगे ऑफिशियली कुछ बता रही हूँ, तो मतलब ये फाइनल ही है, ठीक है, इस चीज को प्लीज फाइनल समझना। और दूसरी बात, पेड बैच क्यों लेना है सर, आप बताइए, तब तक मैं नंबर लिख देती हूँ। पहले तो मैम के लिए कि मैम जो कमिटमेंट कर देती है, फिर उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनती नहीं है। हमेशा नहीं बोलते, बिल्कुल हमेशा नहीं बोलते, अभी हम फाइनल बता रहे स्टूडेंट्स को। इस नंबर पे क्या करना है हमें, इस नंबर पे आप सभी को कॉल करना है, 9319457138, ये नंबर पे क्या करना है आप सभी को, आप इस पे मिस कॉल दीजिए, आप खुद भी मत कॉल कीजिए, मिस कॉल देंगे आपको कॉल बैक आएगा, पेड बैच की पूरी जानकारी देंगे। यूपी टेट का पेड बैच है, यूपी टेट बच्चों के लिए मॉक्स है, बहुत सारी टेस्ट सीरीज है, प्लस 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन, और इसके अलावा आपको मटेरियल भी मिलेगा वहां पर, ई बुक्स प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो सर अभी बच्चों को, आपको नहीं लगता बस क्लास खत्म होते ही बच्चों को पहले 1 बजे से 2 बजे का टाइम है बच्चों के पास, बिल्कुल, उनको बिल्कुल, ले बिल्कुल, लेना बिल्कुल, चाहिए बिल्कुल। और काफी सारे स्टूडेंट तो पूछ भी रहे थे, ठीक है, तो मैम ने देखा आपके जो कमेंट थे, उसके बाद ही मैम यहाँ पर कंफर्म करने के लिए आ गई है। हाँ जी, हम पूरी जानकारी पूरी कंफर्मेशन के साथ ही जो है वो यहाँ पे आए हैं आप सभी के पास, तो यही हम आपको बता रहे हैं कि यही है फोन नंबर, 9319457138 इज योर फोन नंबर। ऑलराइट, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये सीटेट के लिए भी आप इसमें कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू विद योर क्लास। ओके, थैंक यू मैम। सर ये नंबर आप प्लीज लास्ट में भी एक बार रहने दीजिएगा। हाँ बिल्कुल।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम यहाँ पर। बिल्कुल हाँ, ये सीटेट के लिए भी आप मिस कॉल दीजिए, उसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपको कैसे कैसे खरीदना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता दी जाएंगी। क्वेश्चंस पर आते हैं, वापस क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे यहाँ पर, कौन निर्णय करता है कि धन विधेयक होगा या नहीं होगा, हु डिसाइड वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और नॉट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एसएसटी वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और ईवीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईवीएस में एक सीधा टॉपिक बताया गया है। क्या बताया गया है, पंचायत से सॉरी पार्लियामेंट का टॉपिक वहां पर बताया गया है, वहां पर ये पूछा जाता है। ठीक है, वहां पर ये पूछा जाता है। ठीक, क्लियर निकी जी, बिहार टेट के लिए फिर बताएंगे आपको। फिलहाल अब हम क्वेश्चंस पर भी ध्यान दे लेते हैं। तो आंसर आपके स्क्रीन पर आ चुका है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष यहां पर हमें मिलता है, जो क्या डिसाइड करता है, जो ये डिसाइड करता है कि कोई भी बिल मनी बिल होगा या नहीं होगा, कोई भी बिल मनी बिल होगा या फिर नहीं होगा। क्लियर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक, क्लियर। लोकसभा स्पीकर की बात कर रहे थे हम, अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट मीन्स संवैधानिक सरकार का मतलब क्या होता है, जो हमारी सरकार चल रही है, जो संवैधानिक सरकार है, उसका मतलब क्या होता है कि उसकी वो संविधान के शर्तों के अनुसार काम करे, कानून के अनुसार काम करे, लोकतांत्रिक सरकार हो या फिर सभी होने चाहिए। जल्दी से आंसर बताओ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार कॉमन सेंस रिलेटेड होने वाला क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताना है आपको। हाँ बिल्कुल ठीक है, स्पीकर ओम बिरला है यहाँ पर। मैथ की क्लास साक्षी जी नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि सर का पेपर है तो भैया उनके ऊपर और भी जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, तो इसलिए ये आपको बता चुका था मैं पहले भी, 2 घंटे का जो सेशन था वो हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस का था, जो एसएसटी के लिए और जो किसके लिए था, जो ईवीएस और एसएसटी के लिए था। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर है, जिन्होंने डी बताया उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है यहां पर। देखो जो सी और बी ए कर रहे हैं वो बिल्कुल सिंपल, देखो लोकतांत्रिक हमारे देश में सरकार कैसे चलती है, संविधान के हिसाब से चलेगी, बात ठीक हो गई है, कानून के हिसाब से चलेगी, बात ठीक है, और हमने चुनी सरकार है तो ठीक है, तो क्या ऑप्शन होने वाला है, डी ऑप्शन होगा ना यहां पर। ठीक है, डी ऑप्शन होगा भाई। कौन है रिया जी, जरा सा ध्यान दो, संवैधानिक सरकार जो होगी वो जो सब गुणों को शामिल कर रही है वो संवैधानिक सरकार होने वाली है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी है। और मैंने हमेशा बोला है जब 2 क्वेश्चन एग्जाम में, 2 ऑप्शन एग्जाम में होते हैं, कौन कौन से 2 ऑप्शन होते हैं एग्जाम में, पहला ऑल ऑफ द अबव और दूसरा नन ऑफ दीज, तो जब ये 2 ऑप्शन होते हैं ना तब क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि गड़बड़ होने की संभावना ज्यादा रह जाती है हमारे यहाँ पर। ठीक है, बिल्कुल भी। कौन है यहाँ पर, कनिष्का गुप्ता जी, क्या बात, आपका नाम ले लिया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और टाइमर के संग में। तो ये पूछ रहा है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोग भेजता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को भेजता है। पहला ऑप्शन है 2, 10, 12 या 15। ठीक है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने लोगों को भेजता है ये पूछा जा रहा है, 2, 10, 12 या 15, कितने लोग भेजेंगे, भेजा जाएगा राष्ट्रपति को यहाँ पर, जल्दी से बताना है यहाँ पर कितने लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, हाँ भाई विदेशी जी, क्या बात है, हाँ सभी का ही नाम ले लो यहाँ पर। हाँ कनिष्का गुप्ता जी नाम ले लिया, ठीक है चलिए, नाम ले लिया, नाम ले लिया, हम नाम नाम खेलेंगे थोड़ी टाइम बाद। ऑप्शन को बताओ, ऑप्शन सही है सी, 12 लोगों को भेजेगा राष्ट्रपति, जो किसी भी क्षेत्र के अपने महारथी होते हैं। ठीक है, 12 लोगों को राष्ट्रपति भेजेगा यहाँ पर, ये पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, क्लियर, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को भेजेगा। और अब लोग आप बताओ लोकसभा में कितने लोगों को भेजेगा। ठीक है, राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 लोगों को भेजेगा, लोकसभा में कितने लोगों को भेजेगा राष्ट्रपति, जल्दी से कमेंट करके ये बताना और हम अगले क्वेश्चन की ओर भी चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और उसका टाइमर, अगला क्वेश्चन और टाइमर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, पाक स्ट्रेट कहां पर है, वेयर इज पाक स्ट्रेट, पाक जल संधि कहां पर स्थित है, श्रीलंका मालदीव के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में, भारत और मालदीव के बीच में, या ऑप्शन ए और सी दोनों हैं।
हाँ बिल्कुल ठीक है, लोकसभा में भेजेगा दो लोगों को, इसका मतलब राष्ट्रपति संसद पार्लियामेंट में टोटल 14 लोगों को भेजेगा। राष्ट्रपति पार्लियामेंट में कितने लोगों को भेजेगा? 14 लोगों को भेजेगा, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया, सही बता रहे हो सभी लोग यहाँ पर। ठीक है, अब इसका आंसर भी आपको बताना, आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, क्या होने वाला है? 41, 41 का आंसर क्या होने वाला है? ए बी, बी बता रहे हैं यहाँ पर, बी आ रहा है, ए भी आ रहा है, भारत और मालदीव भी आ रहा है, क्या बात है, इंडिया और श्रीलंका भी आ रहा है। ममता जी नाम, चलो सभी लोगों के नाम के ऊपर एक बात कहना चाहूंगा, सभी लोगों का अगर हम सिंपल प्रैक्टिकल सोचेंगे क्या हो सकता है, तो आप देख रहे हैं हमारे संघ में इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो सबका नाम लेना तो पहली बार पॉसिबल नहीं हो पाता। दूसरी बात ये कि नाम ऐसा करा जाए कि सामने वाला खुद ले ले नाम, वो इम्पोर्टेंट है। सामने वाला मतलब यहाँ पर मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हमारी सोसाइटी की, जिस समाज में आप लोग रह रहे हो वहाँ पर आपका नाम अच्छे और आदर के संग लिया जाए, ऐसा काम किया जाए, तो उसके बाद या तब हम कह सकते हैं कि हाँ नाम बना लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम यहाँ पर देखेंगे, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है जल्दी में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, और टाइमर भी उसका लगाना है यहाँ पर। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होने वाली है, ये आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, क्लियर, भारत श्रीलंका पुराना वाला हो गया था, और भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होने वाली है, तो सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी हो जाएगी, जल्दी से बताना यहाँ भैया, जल्दी से बताना यहाँ पर। 42 का कंप्यूटर जी आंसर दिखा दीजिए क्या होने वाला है। ए इज द राइट आंसर, अरावली। अरावली भारत की सबसे पुरानी, और कैसी है ये, तो अगर हम बात करते हैं अरावली की, तो अरावली एक मोड़दार पर्वत श्रृंखला है, फोल्डेड माउंटेन रेंज है अरावली। अरावली क्या है? फोल्डेड माउंटेन रेंज है अरावली, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल ठीक, ए सही आंसर है, ए के लिए बिल्कुल लाइक बनता है यहाँ पर। अरावली क्या है? फोल्डेड माउंटेन रेंज है, मोड़दार पर्वत श्रृंखला मिलती है अरावली यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन और बात करते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ किसकी, टाइमर की भी, और वो है कि किस स्थान पर सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती। क्वेश्चन को समझो जरा सा, बिल्कुल राइट है जिसका, उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है भाई। हाँ सही बात बोली ज्योति दी ने यहाँ पर। ठीक है, सारे लोगों का नाम यूपीटेट निकालने के बाद आएगा। ठीक है, अभी पढ़ाई कर लेते हैं, ठीक, उसके बाद इनका यूपीटेट आएगा, अच्छे मार्क्स आएगा, उनको हमने यहाँ अपने स्टूडियो में बुलाने की बात तैयारी भी सोची है, कि उनमें से कुछ लोगों को बुलाया भी जाएगा, ताकि वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सके बाकी लोगों के संग में। तो देख रहे हैं नाम के संग में चेहरा भी दिखे तो कितना बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो चलो जल्दी से बताओ आंसर, इसका सही आंसर भी बता दीजिए कंप्यूटर जी, क्या होने वाला है? सही आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में कभी नहीं पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी कभी, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप सिंपल जानते हैं कि भारत में 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर मुंबई की बात करें, चेन्नई की बात करें, तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो तीनों के तीनों में कहीं ना कहीं पड़ेगी, लेकिन जो श्रीनगर ऊपर पड़ जाता है वहां पर कर्क सूरज की रोशनी कभी नहीं पड़ेगी। ठीक, इसलिए श्रीनगर सही आंसर होगा इसका, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, सही आंसर श्रीनगर हो जाएगा। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखा दीजिए क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और टाइमर भी इसका आ जाएगा। तो बोल रहा है कि किस राज्य में वूलर झील स्थित है, काफी फेमस क्वेश्चन है वूलर झील का। हाँ बिल्कुल उपेंद्र जी, आपका भी राइट था, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर चल रहा है। मीनाक्षी गौतम जी बिल्कुल, हेलो, लगता है लेट हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, गुड आफ्टरनून सभी लोगों को, ठीक, जो अभी आए हैं, चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर आंसर, सामने आपकी स्क्रीन पर पहुंच चुका है, और वो है जम्मू कश्मीर। आंसर कौन सा रहेगा? जम्मू कश्मीर। भैया वूलर झील, डल झील, कौन नहीं जाना चाहता जम्मू कश्मीर में। ठीक है, अब तो धारा 370 भी हट गई है। तो जम्मू कश्मीर में फेमस मिलता है, क्या मिलता है? वूलर झील। ठीक,
भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये पॉइंट एडिशनल याद रख लेना, फ्रेश वाटर लेक है वुलर झील। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड टाइमर। भारत का स्थायी अनुसंधान स्टेशन दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? वेयर इज द इंडियाज परमानेंट रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री? दक्षिण गंगोत्री कहाँ है? ठीक, क्लियर, बिल्कुल मंगवा लेंगे पानी। 45 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन और रह गए हैं, क्योंकि टॉप 50 की हमने बात करी थी और आप भी हमारे संग बने हुए हैं, ये जानकर बहुत खुशी हुई। ठीक, चलिए, हाँ आंसर क्या रहेगा? नेक्स्ट प्लानिंग वहीं की है, बिल्कुल बहुत बढ़िया सपना जी, वहीं पर ही जाएंगे। अच्छा पूजा जी, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है। हाँ आंसर है, आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, आंसर है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जिसको हम क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका जिसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, जिसको बोला जाता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव की जब हम बात करते हैं तो दक्षिणी ध्रुव में क्या मिल जाता है हमें? तीन भारत के रिसर्च सेंटर मिलते हैं, कौन कौन से, नाम लिख लेता हूं यहां पर, भारती है, मैत्री है, ये पुराने हो चुके हैं, भारती मैत्री, और अगला मिलता है उसका नाम है दक्षिण गंगोत्री। तो ये वर्किंग में अब है, इसके अलावा कौन कौन से, भारती और मैत्री है, ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन है, टाइमर क्या रहेगा कंप्यूटर जी? तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में कौन प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है? भारत में प्रायद्वीपी भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आपको बताना है। यहाँ पर कौन सी नदी मिलेगी हमारे यहाँ पर जो पेनिनसुलर इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर है, जल्दी से कमेंट बता दो। राइट है जिनका, उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है मेरी तरफ से, ठीक है, बिल्कुल। शालिनी जी ने बता दिया था मैत्री है, गंगोत्री है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया, दक्षिण गंगोत्री, दक्षिणी ध्रुव, सिंपल सी बात, याद रखने का फंडा। और कंप्यूटर जी आंसर हमारी स्क्रीन पर शो कर दीजिए, और क्या है आंसर, तो वो है गोदावरी। 46 का सही आंसर, बिल्कुल ठीक, 20 सही आंसर है, और सभी लोगों ने एक आध को छोड़ दिया जाए तो गड़बड़ कर दी है। सही आंसर है बी, गोदावरी भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, जिसको क्या कहा जाता है, ओल्ड गंगा, वृद्ध गंगा भी कहा जाता है इसे, बूढ़ी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ओल्ड गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ठीक है, क्लियर यहां तक। दक्षिणी गंगा कहा जाता है गोदावरी को, सदन गंगा कहा जाता है गोदावरी को, ये पॉइंट ध्यान रख लेना। गोदावरी को क्या बोला जाता है, सदन गंगा, और कावेरी को बोला जाता है गंगा ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी मिल जाती है, ठीक, और दक्षिणी गंगा गोदावरी को कहा जाता है, पॉइंट याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन क्या होगा कंप्यूटर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल टाइमर, जुड़वा शहर, ट्विन सिटी, दिल्ली फरीदाबाद, मुंबई पुणे, हैदराबाद सिकंदराबाद, या वेल्लोर और, अच्छा बैंगलोर और मैसूर, जल्दी से बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, पूछा जाता है। हाँ बिल्कुल, ओल्ड गंगा भी मिलता है हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मिल चुका है आपके सामने, गलत हो गया, ठीक है गणेश जी, गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक, गड़बड़ नहीं करनी है कुछ भी यहाँ पर, यहाँ कर लो, चलो कोई बात नहीं, पेपर में बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है हमें। हैदराबाद सिकंदराबाद सही आंसर रहेगा, और बहुत बढ़िया, जिन लोगों ने आंसर दिया ठीक उनके लिए बिल्कुल लाइक बनता है मेरी तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा दीजिए, अगला क्वेश्चन, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, बहुत सोच समझ के आंसर देना, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामूदी, महेंद्रगिरी, कंचनजंगा या खांसी? तो ठीक हो गई है आप, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ बिल्कुल। पीडीएफ का लिंक आपको सेशन कंप्लीट होने के थोड़े देर बाद, थोड़े मतलब 10 से 15 मिनट के बाद वहाँ पर मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, सेशन के बाद वहाँ पर पीडीएफ का लिंक मिलता है, तो वहाँ पर आप दोबारा से देख करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला आंसर, बिल्कुल आंसर दिखा दीजिए कंप्यूटर जी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर है महेंद्रगिरी, ठीक है, आंसर महेंद्रगिरी मिलता है। लग रहा है कंप्यूटर जी सभी चोटियों की हाइट नाप रहे थे तो आंसर शो नहीं हुआ। अगर ये पूछा जाए पश्चिमी घाट, तो वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी मिलती है? वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी मिलती है अन्नामूदी, ठीक है, वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामूदी मिल जाती है। और अगर कौन सा हो गया, वेस्टर्न मतलब पश्चिमी घाट, और अगर
पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो एग्जाम में मिल जाता है आंसर ऑप्शन, वो है महेंद्र गिरी, सी इज द राइट आंसर। ठीक, क्लियर। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा K2 के बाद है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा K2 के बाद मिल जाती है। क्लियर, यहां तक बी का राइट आंसर होगा, 48 का राइट आंसर बी होगा। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन और टाइमर की तरफ चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? हाईएस्ट डैम इन इंडिया। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होने वाला है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? जल्दी से बता दो, यहां पर टाइमर भी कंप्लीट होने की तरफ को चल रहा है। कोई बात नहीं, गलत हो गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कौन है यहां पर? नियति जी। ठीक, अब आपके लिए एक डायलॉग याद आ रही थी, तो नियति का खेल है, क्या करें, गड़बड़ हो गया तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, कोई नहीं, एग्जाम में ठीक हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। 49 का सबसे ऊंचा टिहरी डैम, टिहरी डैम जो कौन सी नदी पर है और किस राज्य में है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके बताना है। यहाँ पर टिहरी डैम कौन सी नदी पर है, किस राज्य पर है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट करके आपको बताना है यहाँ पर। क्लियर, और इसके बाद अगला जो क्वेश्चन होने वाला है हमारे पास, और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा तट मन्नार की खाड़ी के पास में है? मन्नार की खाड़ी किसके पास में है, या फिर मन्नार की खाड़ी के पास कौन सा तट है, ये आप लोगों को बताना है। जल्दी से बता दो, मन्नार की खाड़ी पता होगा। एक क्वेश्चन और बता पूछूंगा यहां से आपसे, आपके लिए, वो ये कि जिसे हम मन्नार की खाड़ी कह रहे हैं, वो मन्नार की खाड़ी कौन कौन से देशों के बीच में पड़ती है? मन्नार की खाड़ी कौन कौन से देशों के बीच में है? ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज के बीच में मन्नार की खाड़ी, ये भी आप होमवर्क में कमेंट करके बताएंगे। इसके अलावा जो मैम ने अभी बताया था, वो ये बताया था कि 9319457138। क्लियर, यहां तक? ये जो नंबर आपको दिया गया, इसमें आप क्या कर सकते हैं, मिस कॉल कर दीजिए, और इसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, इसके बाद आपको यहाँ पर सीटेट और यूपीटेट जो पेड बैच चल रहा है उससे रिलेटेड चीजें पता चल जाएंगी। ठीक, उत्तराखंड में है, भागीरथी नदी पर है, क्या बात है, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, भक्का भागीरथी पर है, अलकनंदा पर तो नहीं है, चलो ठीक है, उत्तराखंड में मिल जाता है हमारे यहाँ पर। तो यहां तक की इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, एक टॉप 50 क्वेश्चंस हम कर रहे थे, और जो हमारे संग में बने रहे थे उनके लिए बिल्कुल थैंक यू। और आज हमें अपने 1 लाख करने हैं, और आप लोग इसको करवाएंगे, ठीक, ये चीज ध्यान रख लेना। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन यानी मैथ की क्लास और बाकी चीजें जो रूटीन चल रहा है वो चलता रहेगा, संग में बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अच्छे से पढ़ते रहिए और कंटिन्यू देखते रहिए अड्डा 24/7 को।